सब लोग सेटल हो जाइए प्लीज। आर यू डन विद द होमवर्क? बोलो हाँ या ना। चलो गुड। चलो तो फिर अपन शुरू करें। ओके वॉच वॉचो। अरे हाँ बोलो। चलो स्टार्ट करें। बोलो यस ना। लेट्स गो। सो इट्स 8:30। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरा हरा वंदे। चलो स्टार्ट करते हैं। फोकस करना अच्छे तरीके से। सवेरे सवेरे तुम आए हो। आई होप सो कल का होमवर्क आपने किया होगा। ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया होगा उनके लिए मैं एक दो चीजें बोलू और तुम्हारे अगले 15-20 दिन कैसे जाने चाहिए उसके लिए एक दो टिप दे दू आज स्टार्टिंग में। ठीक है। कल कैसा तुम डेमो लेक्चर देखने आए थे फिर तुमको कल आके झटका लग गया और सिलेबस हो गया करके याद। ठीक है। बट ठीक है तो आज अपन सबसे पहले तुमको कुछ टिप्स दे देंगे कि अगले 15-20 दिन कैसे हैंडल करने हैं सर्वाइव करने हैं उसके बाद ही चीजें चेंज होगी। ठीक है। इज इट फाइन मैं 2 मिनट तक के थोड़ी सी टिप्स दे दू चलेगा सबको? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। यस और नो चलेगा सब जन? ओके अब 2 मिनट के लिए अच्छे से सुनना। रूल सिंपल है। कंसिस्टेंसी इन एवरी सिंगल क्लास नॉट ओनली लॉ। हर सिंगल क्लास में कंसिस्टेंसी रखिए। ठीक है। हर टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसको बहुत अच्छा नॉलेज है। वो टीचर कहीं ना कहीं से बहुत सारी रिसर्च करके आपके सामने आया है। आप खुद ये चीजों को पढ़ने जाओगे आपको 250 घंटे या 300 घंटे लग सकते हैं। टीचर आपको कंसोलिडेट 180 घंटे में करके दे रहा है तो टीचर का हर समय हर मिनट काम का है। एंड ऑब्वियस सी बात है कोई टीचर 90 लेक्चर ले रहा है या 100 लेक्चर ले रहा है या इनकेस न्यू सिलेबस अभी चेंज हो रहा है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा बट न्यू सिलेबस में क्वाइट अ चांसेस कि सिलेबस बढ़ने की वजह से 4-5 लेक्चर लोगों के एक्स्ट्रा हो। पर आपने हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि तुम टीचर के साथ में कितना ज्यादा समय बिताते हो। सीधी बात है ना कि अगर कोई एक्सपर्ट पर्सन आपके सामने खड़ा है और वो आपको ज्यादा समय देने के लिए रेडी है। ठीक है। इन दैट सिचुएशन व्हाट यू शुड डू तुमने लिसन करना चाहिए लर्न करना चाहिए। इज इट राइट? बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? क्योंकि मैंने जो पिछले 12 साल में मेरा पढ़ा है या जिस भी टीचर है जो अभी पढ़ा रहे हैं एनी टीचर एनी डैम टीचर ऑन द प्रेस्टीज पॉइंट एज वेल एज इन इंडिया जो पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं इवन 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं डजंट मैटर वो आपसे ज्यादा नॉलेज लगते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से कैटर कर सकते हैं। सो ट्राई करो कि हमारे साथ रहो। ट्राई करो कि तुम हमारे साथ चलो। थोड़ा स्पीड में दिक्कत होगा थोड़ा कहीं पे गिरोगे कहीं पे तकलीफ होगी बट तुम्हारा ट्रायल सिर्फ इतना रहना चाहिए कि टीचर जिस स्पीड से चल रहा है वैसे भी हम इतने फास्ट नहीं चल रहे। कल अपन ने पूरे लेक्चर में क्या किया एकदम आराम से सिर्फ सिलेबस याद किया। ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि पहले 15-20 दिन आपके ऊपर बर्डन ना आए पर कहीं ना कहीं हमको पेस पकड़ना जरूरी है क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस है वो 2-3 साल भी सिर्फ पढ़ते रहो तो भी खत्म नहीं होने वाला और अपने को 9 महीने के अंदर खत्म करना है। 9 महीने के अंदर तो बोलो आया ना। सी इट्स बोथ आर द सेम थिंग्स। 9 महीने के अंदर बच्चा हो जाता है तुम 9 महीने में एक लाइफ क्रिएट कर रहे हो। इज इट राइट? 9 महीने में एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है एक लाइफ क्रिएट करती है। मुझे बताओ अगले 9 महीने में तुम तुम्हारी लाइफ नहीं क्रिएट कर रहे हो? सो इट इज टेकिंग द सेम टाइम। सो ऑब्वियसली तुम मूड स्विंग से जाओगे जैसे एक माँ जाती है। तुम कुछ क्रेविंग से जाओगे जैसे एक माँ जाती है। बोलो हाँ या ना। तुम लेबर पेन से जाओगे। एक्चुअली यू आर अ काइंड ऑफ लेबर। 11 घंटा क्लास कौन करता है? इतना घंटा कोई जॉब भी नहीं करता भाई। बोलो हाँ या ना। उसके ऊपर से 2 घंटे होमवर्क उसमें से 1 घंटा मेरा। बोलो हाँ या ना। सो तुम लेबर पेन से भी जाओगे। सो इट इज क्वाइट नेसेसरी कि तुम कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अगले 21 दिन का डिसिप्लिन। आपने वो चीज सुनी होगी टीवी सीरीज देखते हो कोई भी चीज तुम 21 डेज तक फॉलो करते हो। 21 डेज वन फुल मून साइकिल पूर्णिमा से अमावस्या अमावस्या से पूर्णिमा। जो भी चीज तुम 21 डेज फुल फॉलो करते हो वो चीज के आदत लगने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सो अगले 21 डेज जस्ट डू दिस थिंग कि तुम कंसिस्टेंटली सिर्फ क्लास करते रहो चाहे जो हाल हो ऑटोमेटिकली तुम इसमें ढल जाओगे। इसीलिए अगले 21 दिन अगले कितने दिन बोला हुआ 21 दिन तुमने ये ट्राई करना है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक है तुम्हारा फिजिकल फिजिक्स जो भी फिजिकल पोस्चर्स वगैरह है वो सब तुम चीजें अच्छे से मेंटेन करके चलो। अच्छा खाना खाओ
अच्छे अच्छे चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में सोचो और ट्राई करो कि कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग पढ़ते रहो, या एक प्लेलिस्ट ले लो गाने की जिसकी सिर्फ अंदर सिर्फ मोटिवेशनल सॉन्ग्स होंगे। मैं पर्सनली मेरा वाला रिकमेंडेशन बोलता हूं, आज भी मेरे मोबाइल के अंदर मोटिवेशनल सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 15-20 सॉन्ग्स है जो मैं बहुत सालों से जमा करते आ रहा हूं। और मुझे कभी भी ऐसा लगता है ना कि सिचुएशन मेरे आउट ऑफ हैंड जा रही है, या मैं डिप्रेस हो रहा हूं, या मेरे से ना हो पाएगा, तो तुमको यकीन नहीं होगा मैं पढ़ाना छोड़ के जितना भी समय है, खाना पीना जीना, सब टाइम हेडफोन लगा के रहता हूं और कंसिस्टेंटली सॉन्ग सुनते रहता हूं। वो म्यूजिक ऐसी चीज है ना जो तुमको वो चीजें भी समझा जाती है बिना वर्ड्स के, जो तुम्हें वर्ड्स के साथ भी समझ में नहीं आएगी। बोलो हाँ है ना। सो ट्राई करो कुछ मोटिवेशनल चीजें पढ़ो, मोटिवेशनल सॉन्ग्स पढ़ो, बाकी हम तो है ही, क्लियर है। सो कंसिस्टेंसी, हेल्थ मेंटेन करो, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए अगले 21 दिन के अंदर भाई साहब तुम 2-4 दिन सिर्फ हेल्थ की वजह से एब्सेंट हो। ऊपर से दिस इज रेनी सीजन, रेनी सीजन में वायरल इन्फेक्शन बहुत है, बहुत सारे लोगों को अभी आंखें आ रही है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अरे मतलब डेमो लेक्चर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो ये चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। सो एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट? सब जन बोलो एक बार हाँ या ना, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना। चलो बहुत बढ़िया, कल का रिविजन कर लेते हैं एक बार फटाफट 2 मिनट के अंदर, ठीक है, उसके बाद में आज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो कल हमने सिलेबस लिया था, हमने लिया था कौन सा स्टोरी, द ओयो स्टोरी, ठीक है। ओयो स्टोरी के साथ साथ में चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो केस स्टडी भी रिवाइज हो जाएगा, साथ में चैप्टर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या था, सब जन पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, क्या है पीटी शुरू? हाँ बनाना, कितने साल? 3 साल। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन सेक्शन नंबर 3 से लेके 22, याद है सबको? बोलो हाँ या ना। दूसरा क्या है? बुलाना, कितने लोग? 2-3 लोग, सेक्शन नंबर 23 से लेके 42, आइडिया क्लियर है मैं पक्का क्या कह रहा हूं। तीसरा क्या है? लगाना, कौन थे इन्वेस्टर्स? लाइट स्पीड डीएसजी, कितना लगाया? 4.3 करोड़, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। फिर उसके बाद में क्या था? डालना, क्या डाला? लोन डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट्स, यस और नो, कितना? 730 करोड़, तो 73 से लेके 76A, याद आया सबको? हाँ है ना। फिर 7 इन्वेस्टर साथ में मिलके कंपनी को क्या कर रहे हैं? चार, जोर से बोलो क्या कर रहे हैं? चार। तो उस सिचुएशन में चार्जेस ऑन असेट सेक्शन 77 से लेके 87। फिर मैनेज करने के लिए कौन सा इन्वेस्टर आया? आठवा, उठने कितना अमाउंट लगाया? $800 मिलियन, तो सेक्शन नंबर 88 से लेके 122, कुछ याद आया। फिर टोटल कैपिटल जमा कितना हो गया? 1230 करोड़, इसके ऊपर क्या बांटना है? डिविडेंड, 123 से लेके 127, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। और उसके बाद में बांट पाए क्या? नहीं, क्योंकि अकाउंट्स, सब जन एक्शन करेंगे, अकाउंट्स, और कितना लॉस आया? 12,800 करोड़, तो सेक्शन 128 से लेके सेक्शन कौन सा? 138, क्लियर है कंसेप्ट। फिर हमने देखा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस कितना था? -139%, क्लियर है कंसेप्ट? ऑडिटेड, कैसा बोले एक बार? ऑडिटेड, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? सो 139 से लेके कहां तक बोले एक बार? 148, यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ना। ये होने के बाद क्या ओयो ने हार मानी? नहीं, उसने कितने कंट्रीज तक एक्सपांड किया? 81 कंट्रीज, क्लियर है। साथ में एलएलपी का सेक्शंस कितना है टोटल? 81, इससे टोटल रेवेन्यू कितना आया? $490 मिलियन। फेमा के सेक्शंस कितने हैं? 49, और मुझे एक बात बताओ फॉरेन कंपनी का मेडअप नंबर क्या था? 379 से लेके 393, सबको याद है। दो एक्ट ऐड कर दो, जनरल क्लॉजेस एक्ट और दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटो। सबने सिलेबस जमा लिया? आपने सिलेबस अच्छे से एक एक लाइन छोड़ के आपके बुक में ड्रॉ कर लिया है अच्छे से? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, बोलो हाँ या ना। पक्का सबने ड्रॉ कर लिया है? होमवर्क सबने किया है? ओके, होमवर्क के साथ कृपया अपडेटेड रहिए, ठीक है। ओके, कल मैंने एक और सवाल दिया था, कुछ याद है? कौन सा सवाल दिया था? व्हाट इज कंपनी दिया था? बोलो व्हाट इज कंपनी? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ। कौन सी प्रीवियस लॉ? कंपनी 1956 ना, उसके पहले थे क्या? नहीं क्या थे? कौन थे? सर वो फाउंडेशन ने बताया था पहले, एग्जाम खत्म बात कर।
चलो आज शुरू करें आगे आगे। आज का लेक्चर मस्त कंटेंट वाला लेक्चर रहने वाला है। हाँ, पर जो लोग फाउंडेशन में मेरे से थोड़ा सा पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा रिपीटेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस लिए बगैर बात आगे बढ़ी नहीं सकती। आज हम आपको बताएंगे समझ में आया सबको? बोलो हाँ है, क्लियर? भावनाएं पहुंचनी चाहिए ना, हाँ है ना? सो आज हम आपको बताएंगे, समझ में आ गया पक्का? सो विल गेट अ कंपनीज एक्ट का स्टोरी, ठीक है? 1850 से लेके आज तक, 1850 से लेके आज तक कंपनीज एक्ट 2000 बना कैसे, इसमें कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई जिस वजह से यह एक्ट ऐसा दिखता है, ये सब हम देखेंगे। सर 1850? हाँ बेटा, क्योंकि तुम्हें कंपनी लॉ का प्योर नॉलेज चाहिए तो आज मैं बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूं साथ साथ में। कंपनीज एक्ट का हिस्ट्री, कंपनी का डिफिनेशन, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉ आर इन इंडिया, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉ आर इन इंडिया एज पर ड्राफ्टिंग, व्हाट इज अ प्रोसेस टू पास द लॉ, What is Constitution of India? What is Article of Constitution of India? What is Union List, State List, Concurrent List? ठीक है? Simply आज मैं सिर्फ Companies Act के history के साथ तुमको इंडिया में किस प्रकार लॉ बनता है उसका हर एक कच्चा चिट्ठा दे दूंगा। पर पूछो क्या? आज है कंटेंट, और कंटेंट बोला कि आदमी ठीक है तो सोनेगा नहीं। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आज मेरे को कंटेंट देना ही है, क्योंकि ये कंटेंट दिए बगैर कोई, पर आज का लेक्चर हर बंदा जागेगा, मजा आएगा। कंटेंट एंड में जब पूरा खत्म होगा तुमको पूरा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है, क्यों मोदी जी ऐसा भाषण देते हैं, क्यों पप्पू जी ने वैसा भाषण, सब समझ में आ जाएगा तुमको। इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम इस बेहद तरीके से समझ में आ जाएगी कि तुम पप्पा के साथ बैठ के, मतलब अरे पप्पा के साथ बैठ के चाय पीते हुए बोल रहा हूं मैं, ठीक है? पप्पा के साथ बैठ के चाय पीते हुए तुम टीवी देखते हुए आने वाले 2024 के इलेक्शन में कमेंट कर पाओगे कि भाई साहब ये पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होना चाहिए था, तो पप्पा भी ऐसे देखेंगे। हाँ ठीक है, समझ में आया, बच्चा बड़ा हो गया मेरा, सही बात, अभी हुआ सर, स्टार्ट करें बच्चों, हाँ ना? ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनीज एक्ट का पूरा हिस्ट्री। इसके लिए हमको सबसे पहले समझना जरूरी है डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है? थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ कंपनी के साथ में आगे बढ़ते हैं, आपको आइडिया आएगा कि मैं एग्जैक्टली करने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? लेट्स गो। ओके, सो तुमने कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन बोला, मैं एक बार उसको अच्छे से बोल दूं, ठीक है? आर यू गाइस रेडी? बोलो यस ना। चलो, सो कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन है, हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रिलिमिनरी एंड द बेसिक्स ऑफ द कंपनी लॉ सेक्शन नंबर 1 और 2, हाँ है ना? उसके अंदर कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन दिया है 2 सबसेक्शन नंबर 20 में, मुझे सेक्शन याद चाहिए। स्टार्टिंग के डेफिनेशन के सेक्शंस में तुम मेहनत कर लो, बचे हुए सेक्शन में याद करवा दूंगा, ठीक है? सो 2 सबसेक्शन 20, एक बार जोर से बोलो क्या बोलना है? 2 सबसेक्शन 20, एक बार जोर से बोलो क्या बोलना है? 2 सबसेक्शन नंबर 20 के अंदर दिया है कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन। कंपनी, एक सेकंड होल्ड, वैसे तुमको डेफिनेशन के बारे में कुछ मालूम है? अच्छा, ये तुम्हें, अच्छा तुमने कंपनी के डेफिनेशंस को जरा ठीक से पढ़ा है जीवन में? क्या खास बात है डेफिनेशंस में? फाउंडेशन में तुमको पता होगा नहीं पता होगा, कंपनी के सभी डेफिनेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, सभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो अगर आप बोलोगे अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस, ए से शुरू होता है, दैट इज डेफिनेशन नंबर 1, 2 सबसेक्शन नंबर 1 इज अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। एसोसिएट कंपनी ए पर से है, 2 सबसेक्शन 6 एसोसिएट कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी पर से है, 2 सबसेक्शन 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी सी पर से है, 2 सबसेक्शन 20 कंपनी का। क्लियर है कांसेप्ट? उसके बाद में आगे बढ़ जाओ, दैट इज सी पर के बाद डी, दैट इज डिबेंचर्स, 2 सबसेक्शन 30 डिपॉजिट, 231 डिविडेंड, 235 डायरेक्टर, 234 डी के बाद में ई पे, ई से ज्यादा कोई डेफिनेशन नहीं है। एफ फॉरेन कंपनी 242, गवर्नमेंट कंपनी 245, एफ जी हो गया। एच से ज्यादा डेफिनेशन नहीं है, आई से ज्यादा डेफिनेशन नहीं है, जे से भी नहीं है, के एल एम एन
तो उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल टर्म्स, ये वाले डेफिनेशन आएंगे। और फिर हम जाते हैं 262 पे ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ओ के बाद आता है पी, प्राइवेट कंपनी 268, पी के बाद पीयू, पब्लिक कंपनी 271, उसके बाद में पी के बाद में आर, रिलेटिव टू सबसेक्शन 77, आर के बाद में एस, स्मॉल कंपनी 285। सो ऑल द डेफिनेशंस आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। सो अगर तुमने तुम्हारे दिमाग में ब्रैकेट्स बना लिए, सिर्फ ब्रैकेट्स, कि ए वाले डेफिनेशन नियरली ए कैटेगरी में आते हैं, बी वाले डेफिनेशन नियरली ए कैटेगरी में आते हैं, सी वाले नियरली ए कैटेगरी में आते हैं, तो तुम एक्चुअली तुक्का लगा सकते हो कि डेफिनेशन कहां है, और 90% तुम्हारा तुक्का सही लगेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? तो इस चीज को याद रखना। जैसे अब मैं बोल रहा हूं कंपनी 2 सबसेक्शन कौन सा है, सब जन बोला एक बार, 20। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी से ही वर्ड शुरू हो रहा है, 221। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी में जी था, गारंटी में क्या था, जी, यहां जी लग गया तो इस वजह से पहले आ गया, जी मतलब गारंटी वाला, समझ में आ रहा है? सो जी लग गया, सो पहले आ गया, पर एस बाय शेयर कैपिटल, एस बाद में आ रहा है, तो 222 इज अ शेयर कैपिटल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो कंपनी, कंपनी बाय गारंटी, कंपनी बाय शेयर कैपिटल, इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? सो एक बार मुझे सब जन जोर से बोलो, कंपनी का डेफिनेशन किस फॉर्मेट में अरेंज है, बोलो एक बार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सब जन जोर से बोलेंगे, कैसे अरेंज है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? जोर से बोलो हाँ, है ना? चलो अब डेफिनेशन मेरे साथ में पढ़ो, रेडी, 1 2 3 बोलो, क्या है? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब प्रीवियस कंपनी लॉ, ये देखो सबसे पहली बात, प्रीवियस कंपनी लॉ, ये जो वर्ड है ना, इसका भी डेफिनेशन है बच्चों। मुझे बताओ प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन कहां पे? सब जन बोलेंगे प्राइवेट कंपनी, फाउंडेशन में पढ़ा होगा ना, कौन सा है प्राइवेट कंपनी का, 268। सब जन एक बार जोर से बोलो, प्राइवेट कंपनी का कहां है, 268। एक और बार, कहां है, 268। तो प्राइवेट पीआर, प्रीवियस कंपनी लॉ पी आर, ई पी आर आई, प्राय, ई पहले आता है या आई पहले आता है? तो मुझे बताओ प्रीवियस कंपनी लॉ प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन के पहले चाहिए या बाद में चाहिए? 2 सबसेक्शन 67। Are you getting it? Having a hold of it? और मैं आपको खास बात बताऊं, 2 मिनट के लिए सुनोगे प्यार से, इसके बाद के सभी डिसीजन आपके सिलेबस की है। 267 प्रीवियस कंपनी लॉ, ये जो रेंज है ना 67 से लेके 72 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, ये रेंज तुमको सीए एंटर पे 4 मार्क या सीए फाइनल पे 4 मार्क देके ही जाएगा। पूछो कैसे? 267 प्रीवियस कंपनी लॉ, 268 में प्राइवेट कंपनी, 67 में क्या है प्रीवियस कंपनी लॉ, 68 में क्या है प्राइवेट कंपनी, 69 में है प्रमोटर। वैसे 69 से याद आया, खैर छोड़ो, हाँ। सो 69 में क्या है बोले एक बार जो से, प्रमोटर। सो 67 में प्रीवियस कंपनी लॉ, 68 में प्राइवेट कंपनी, 69 में क्या है प्रमोटर, 70 प्रोस्पेक्टस। 70 में क्या है प्रोस्पेक्टस, तुम्हारा चैप्टर ही प्रोस्पेक्टस है ना, कहां से कहां तक बोलो, प्रोस्पेक्टस कहां से कहां तक है, 23 से लेके 42, क्लियर है, प्रोस्पेक्टस चैप्टर है, एंड 71 तो पब्लिक कंपनी है तुम्हारा, 72 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो 67 से लेके 72 का रेंज है, ये तुमको 4 मार्क देके ही जाएगा, श्योर, यहां नहीं तो वहां, इंटर में नहीं तो फाइनल में, कंफर्म देके जाएगा। सो एक बार वापस से चारों सेक्शन बोल दो, 67 में क्या है, सब जन बोलेंगे 67 में क्या है प्रीवियस कंपनी लॉ, सब जन बोलेंगे क्या है प्रीवियस कंपनी लॉ, 68 में क्या है प्राइवेट कंपनी, 69 प्रमोटर। वैसे याद हो गया होगा ये सेक्शन, तो ज्यादा तकलीफ नहीं लेनी पड़ती मेरे को ये सेक्शन में। तो 69 में क्या है सब जन बोलेंगे प्रमोटर, 70 में प्रोस्पेक्टस, 70 में क्या है प्रोस्पेक्टस, 71 में पब्लिक कंपनी, 72 में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सेक्शन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? जोर से बोले एक बार, यस और नो, सबको आइडिया क्लियर है, लास्ट बेंचेस एवरीबॉडी, यस और नो? चलो अब डेफिनेशन वापस पढ़ते हैं प्रीवियस कंपनी लॉ का, सब जन साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो, क्या है? प्रीवियस कंपनी लॉ मींस एनी लॉ स्पेसिफाइड बिलो, नाउ एक्ट रिलेटिंग टू कंपनीज इन द फोर्स बिफोर इंडियन कंपनीज एक्ट 1866। मतलब तुमने 1866 से पढ़ा है, पर क्या तुम्हें पता है कि 1866 कंपनीज एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था उसके पहले भी एक लॉ था? एनीवन नोस? हालांकि फाउंडेशन में मैंने नहीं बोला था, मेरे को मालूम, मैंने नहीं बोला था, सुनना चाहोगे? द लॉ इज कॉल्ड एज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लॉ,
ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, और ये लॉ बनाया गया था 1850s में। कब बनाया गया था बोले एक बार, 1850। सब जन बोलो कब बनाया गया था, 1850। अब एक बार सभी लॉज के ईयर पढ़ते हैं। सो पहला वाला लॉ कौन सा हुआ बोले एक बार, 1850। एक बार सब जन जोर से बोलेंगे, कब बनाया गया था, 1850। दूसरा लॉ 1866, तीसरा लॉ 1882, चौथा लॉ 1913, पांचवा लॉ 1942, लव स्टोरी ऑर्डिनेंस। क्लियर है, ऑर्डिनेंस इज अ लव स्टोरी, मैं आपको ऑर्डिनेंस क्या है वो भी बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड सिक्स्थ लॉ 1956 कंपनीज एक्ट, और अभी हम कौन से एक्ट में खड़े हैं, 2013। एक फटे की बात बताऊं, फटे की पूछो क्या, जोर से पूछो क्या, सिर्फ देखते रहो, ठीक है। मैंने क्या लिखा है ध्यान देना, मुझे एक बात बताओ, हमारे ऊपर किसने राज किया था, जोर से बोलो किसने राज किया था। आपको यकीन नहीं होगा, इंडिया के लॉ सिस्टम के ऊपर ब्रिटिश का आज तक के वर्चस्व है, टिल दिस डेट। उन्होंने हमको बहुत अच्छी कुछ सिस्टम दी है, बहुत अच्छी सिस्टम दी है, पूछो कौन सी। They have told us how to govern a country democratically. Second, Indian post, railways, समझ में आ रहा है, and in Indian infrastructure, and साथ में how to pass the law. ये सब process हमको British देके गए हैं। जब भी हमने इंडिया में कंपनीज एक्ट चेंज किया है ना, इट इज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिशर्स। हमारा 1850 का कंपनीज एक्ट एक्चुअली ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1844 का कॉपी था। हमारा 1866 का कंपनीज एक्ट एक्चुअली ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1862 का कॉपी था। हमारा 1882 का कंपनीज एक्ट एक्चुअल ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1880 का कॉपी था। 1942 का लव स्टोरी ऑर्डिनेंस था, इट वॉज नॉट अ एक्ट, ऑर्डिनेंस का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। एंड 1956 का कंपनीज एक्ट ये ब्रिटिशर्स के कंपनीज मेजर अमेंडमेंट का कॉपी था, जो मेजर अमेंडमेंट ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद में बनाए थे, आफ्टर दे विन द वॉर। तो वर्ल्ड वॉर टू के इफेक्ट के ब्रिटिश के जो अमेंडमेंट्स थे उसके अंदर हमने 1956 में हमारा कंपनीज एक्ट बना। अभी वो क्या आप बात करते हो, 2013 का कंपनीज एक्ट का पहला ड्राफ्ट जो है ना वो 2008 में आया था, 2008 में। और आप आज का ब्रिटिश का कंपनीज एक्ट देखोगे तो ब्रिटिश कंपनीज एक्ट का ईयर आज के डेट का है 2006। तो 2006 का कंपनीज एक्ट ब्रिटिशर्स का हमने 2008 में कॉपी कर लिया। हमको कॉपी करने में 2 साल लग गए, हर जगह से ब्रिटिश निकालने के लिए और इंडिया लिखने के लिए। ऐसे नहीं किया, बट स्टिल एवरी सिंगल लॉ ऑफ इंडिया, नियरली जो सेंट्रल लॉ है वो ब्रिटिशर्स से इंस्पायर्ड है, बिकॉज दे हैव अफेक्टेड अवर सिस्टम मेजॉरिटी। उन्होंने हमको सिस्टम, लॉ बनाने का सिस्टम ही हमको उन्होंने दिया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, जोर से बोले एक बार, सर नो। सो आपने इसके पहले फाउंडेशन में सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा होगा, बट दिस इज हाउ एक्चुअली लॉ इज मेड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तुम देखोगे कभी भी कंपनीज एक्ट के मेजर चेंजेस आर गवर्न बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने वहां कोई गंदा वाला चेंज कर दिया, इधर कंफर्म अमेंडमेंट आना जरूरी है। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतने सब एक्ट्स के तो अमेंडमेंट हम नहीं देख सकते, कब आए कब नहीं आए, वी विल नॉट गो इनटू दिस, वी विल स्टिक टू अवर ओन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इतने अमेंडमेंट्स हमको ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम के, ना नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू काम के, ठीक है। चलो हमको ये समझ में आ गया कि ब्रिटिश से हमारा लॉ इंस्पायर्ड है, इट्स ओके, दैट्स नॉट एट ऑल इशू। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, जोर से बोले क्वेश्चन ना। अब मैं सबसे पहली चीज चाहूंगा डेफिनेशन नोट कर लो, चलो गो फॉर इट फास्ट। कल तुमने आंसर लिखा होगा, वो ऐसा दिखना चाहिए था, ठीक है, ऐसा दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे आपके आंसर्स इंप्रूव होंगे, डोंट वरी, ठीक है। और मेरे को बुक एक लिखना रोको, रोक रोक, सुनती नहीं मेरी, लिखना रोको। मेरे को बुक कतई जहर और हसीन चाहिए, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोलूंगा, लिथार्जी में किया हुआ काम, मैं रेड पेन लेके घूम रहा हूं, मेरे को जहां पे बुक लिथार्जी में मेंटेन, सवेरे 8 साढ़े 8, सवेरे 5 बजे की क्लास भी रहती ना तो भी यही काम करना पड़ता था, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। बुक लिथार्जी में तुम्हारी मेंटेन्ड है, मैं रेड पेन लेगा मैं काट देगा, मेरे को कोई शर्म हया नहीं है, मैं बहुत बेकार आदमी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तुम मन में कितनी भी गालियां दे सकते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मुंह पे देने का नहीं सिर्फ,
आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, सुन ना, तो मेरे को बुक बहुत अच्छे से मेंटेन चाहिए, ठीक है? बिल्कुल हैंडराइटिंग बेकार है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी भी बहुत बेकार है, पर बुक अच्छे से मेंटेन चाहिए, ठीक है? मैं चेक कर रहा हूं साइड साइड में घूमते घूमते, ठीक है? चलो देखो, फर्स्ट लाइव स्ट्रीम में सबको डेफिनेशन समझ में आ रहा है, प्लीज मेंशन मी लाइव स्ट्रीम में, एवरीवन हैज क्लियर? सर आपने कंपनी पढ़ाया ही नहीं तो होमवर्क क्यों दे दिया? फाउंडेशन में क्या किया था बेटा? डायरेक्ट एंट्री से हो तो ठीक है, एक आधी बार, इट्स नॉट एन इश्यू। चलो बहुत बढ़िया, लाइव स्ट्रीम में क्लियर है तो मीनिंग कंपनी का आएगा, डोंट वरी। आज से पहले हम हिस्ट्री जानते हैं क्या है, ठीक है? सो डोंट, आ जाएगा। ऊपर ना चैप्टर का भी नाम लिखा है मैंने गलती से, मैंने गलती से लिख दिया, तुम देखो तुमको जम रहा क्या। सी द 220 कंपनी मीन्स अ कंपनी, कल का होमवर्क कॉपी किया, होमवर्क कॉपी किया है सब? हेलो 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 हेलो, हाँ कल का होमवर्क कॉपी किया है, मन से लिखा है? गूगल से लिखा ना, वाह, अच्छा गूगल से इंस्पायर्ड था। लिखना है, दैट इज द लॉ बिफोर 1866 ना, उसको सिर्फ ब्रैकेट में लिखो, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी और बाकी ईयर्स मैंने मेंटेन किए, जस्ट मेंशन देम इन द ब्रैकेट, सो यू शुड नो दे आर द ब्रिटिश एक्ट के ईयर्स।
क्वेरी आया है, सर अगर इंडिया का कंपनीज एक्ट था तो हर जगह पे इंडियन कंपनीज एक्ट लिखने की क्या जरूरत है। हालांकि आप अगर नाम में डिफरेंस देखो तो 1956 कंपनीज एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 1956, और उसके पहले के सभी कंपनीज एक्ट का नाम इंडियन कंपनीज एक्ट है। अच्छा, ये चीज सिर्फ यहां नहीं है कंपनीज एक्ट में, इफ यू सी आपके कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, क्यों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडिया में तो लग रहा था। रीजन बीइंग ब्रिटिशर्स का खुद का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उनके देश में लगने वाला, और उन्होंने इंडिया के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया था। बोलो हाँ या ना। अब जब ब्रिटिशर्स का खुद का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था और वो दो चार देशों पे राज कर रहे थे, ऐसा नहीं वो सिर्फ इंडिया पे राज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने 1775 तक यूएस पे भी राज किया है। एट द सेम टाइम उनका इंडियन टेरिटोरी में ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन जैसी टेरिटोरी पे भी राज था, श्रीलंका तक की उनका राज था। अब अगर ब्रिटिशर्स के खुद के पास उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और इंडियन टेरिटोरी को मैनेज करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया, तो उनको खुद के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इस टेरिटोरी के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। So that's why they put a name India. Clear है? So उनका companies act और अपना companies act differentiate हो, इसलिए उन्होंने खुद के companies act को नाम दिया companies act जो भी है, जैसे companies act 1962. तो फिर उन्होंने हमारे companies act को नाम क्या दिया? Indian companies act 1866. Are you understanding the clear difference? बोलो हाँ या ना? Everybody understood very clearly? चलो. पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है. content जगह रखना. बहुत interesting है. कोई ये चीज बोलेगा नहीं बोलेगा आपको नहीं पता है, फाउंडेशन में बोलनी चाहिए थी, आई डोंट नो। इंडिया में कितने टाइप्स के लॉज बनाए जाते हैं? मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तीन लिस्ट नहीं पूछ रहा हूं, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट वो मैंने फाउंडेशन में पढ़ा दिया है। मैं आपको पूछ रहा हूं इंडिया में कितने टाइप के लॉज है, जैसे क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, हिंदू अनडिवाइडेड लॉ, लेबर के भी खुद के लॉज है। बोलो हाँ या ना। और कंपनीज एक्ट कौन से कैटेगरी में आता है लॉज के, कंपनीज एक्ट, फेमा, ये कौन से कैटेगरीज ऑफ लॉ है? क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं कि ये कौन से कैटेगरीज ऑफ लॉ है तो पढ़ के कहां जाओगे? कल जाके अगर मैंने कंपनीज एक्ट में सेबी को जोड़ दिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 को, कल मैंने कंपनीज एक्ट के साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को जोड़ दिया, कल मैंने कंपनीज एक्ट के साथ में लेट्स से इंश्योरेंस एक्ट 1938 को ज्वाइन कर दिया, तो तुम्हें पता है क्या कि ये कौन से कैटेगरी के लॉ है? दिस इज अ कॉर्पोरेट लॉ। और ऐसे इंडिया में कितने टाइप्स के लॉज है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉज आर देयर इन इंडिया? अच्छा, ये सुना होगा लेबर लॉ नाम की चीज होती है, सब जन बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये भी सुना होगा सिविल प्रोसीजर कोड होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, इंडियन पिनल कोड होता है, वो तुमने मूवीज में देखा होगा, मुजरिम को दफा 302 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है ताजीराते हिंद, सुना है कभी? अरे जोर से बोलो हाँ या ना। ये ताजीराते हिंद मतलब इंडियन पिनल कोड है। वैसे आपको पता है लास्ट पार्लियामेंट्री स्पीच के अंदर अमित शाह जी ने 3 बेस लॉज एबोलिश करने की बात की, अब बात निकले तो मैं बोल दू 2 मिनट के लिए। इंडियन पिनल कोड 1857, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1858, ठीक है, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अंग्रेजों ने 150-150 साल पहले जो लॉ बनाए थे आज तक हम वो फॉलो कर रहे हैं, उसके जगह पे अब 3 नए लॉज बीजेपी गवर्नमेंट लेके आना चाहती है, संहिचार संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरे नाम का कुछ तो भी हिंदी में नाम मेरे को भी याद नहीं जीवन में, ठीक है। सो ऐसे 3 लॉज इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जगह पे लाने की कोशिश करें, क्योंकि वो लॉज 1850 से चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे इंडिया में कितने कैटेगरीज के लॉ, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉज आर देयर? तो इसका आंसर अगर आप थोड़ा सा भी फाउंडेशन में इनके सर्च करते, वैसे मैं इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस केस आई कैन ओनली टेल यू, सी दिस, दिस इज वेरी सिंपली अवेलेबल एवरीवेयर, वेरी सिंपली अवेलेबल। एंड बेस्ट सोर्स, सबसे अच्छा सोर्स हमेशा किसी भी चीज को टैली करने का होता है, दैट इज अ विकिपीडिया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जो यहां लिखा रहता है ऐसा माना जाता है कि दिस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं चल रहा है भगवान, ऐसे क्यों हो रही है? रिफ्रेश, हट, वाईफाई बंद हो, वापस ट्राई करते हैं। हाँ आ गया, आ गया, मतलब जितना दिख रहा है अपने काम की चीज तो आई गई। सी दिस, कैन यू सी दिस? बोलो हाँ या ना। रीडेबल है? रीडेबल,
ये देखो विकिपीडिया ने लिख के रखा है और क्यों लिख के रखा है वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन दिस, एक एक पढ़ते जाओ, मैं साथ साथ में बोलूंगा। रेडी, कितने कैटेगरीज ऑफ इंडिया में लॉ है ये आज आपको समझ में आएगा। रेडी, सब जन साथ में पढ़ना, 1 2 3 बोलो, क्या है द लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम से, ये वाले वर्ड से, लीगल सिस्टम से। रेडी, चलो, द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ सिविल लॉ, कॉमन लॉ, कस्टमरी लॉ, रिलीजियस लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ। ये इतने ही कैटेगरीज ऑफ लॉ इंडिया में थे, बोल रहा हूं अभी नहीं है, ये क्यों थे? विद इन द लीगल फ्रेमवर्क इनहेरिटेड फ्रॉम कॉलोनियल एरा एंड वेरियस लेजिस्लेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। मैंने आपको बोला था बहुत इन्फ्लुएंस है, तो ब्रिटिश हमको सिर्फ इतने ही कैटेगरीज के लॉ देके गए थे। कौन कौन से? द सिविल लॉ, सब जन साथ में बोलेंगे, कौन कौन से? सिविल लॉ। अब सिविल लॉ में क्या क्या आएगा? इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। दूसरा कॉमन लॉ, व्हाट इज कॉमन लॉ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नॉर्मल बिजनेस लॉ जिनको कहा जाता है। तीसरा वाला कस्टमरी लॉ, स्पेसिफिक कस्टम के ऊपर जो बनाए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम, क्लियर है। उसके बाद में रिलीजियस लॉ, कच्छ हज की यात्रा, रिलीजियस ट्रेवल्स, साथ में हिंदू एक्ट का कुछ पोर्शन, मुस्लिम एक्ट का कुछ पोर्शन। आफ्टर दैट कॉर्पोरेट लॉस, कंपनीज एक्ट, सेबी, एलएलपी, समझ में आ रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन, इंश्योरेंस, ये हो गए कॉर्पोरेट लॉस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पर क्या आज के डेट में इतने ही कैटेगरीज ऑफ लॉ है? ये तो ब्रिटिशर्स देके गए थे, पर क्या हम तब से एडवांस नहीं हुए? सब जन बोलो, क्या हम तब से एडवांस नहीं हुए? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, क्या तब से एडवांस नहीं हुए? हुए, तो हमारे भी कुछ लॉस का एडिशन होना चाहिए। आई विल शो यू, प्लीज खुल जा, ये देखो, ये दिस वन, दिस वन, ठीक है। अब ये देखो, ये है पूरे इंडिया में आज के डेट में कितने टाइप्स के लॉज है उसका लिस्ट, ठीक है। सब जन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हिस्ट्री छोड़ दो। दूसरा वाला क्या है बोले एक बार? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, नेक्स्ट क्रिमिनल लॉ, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉ, नेक्स्ट लेबर लॉ। लेबर लॉ में आपका बोनस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ग्रेचुटीज एक्ट, आपने आपके फादर वगैरह से सुना होगा कि प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रहा है, मिनिमम वेजेस एक्ट, दिस इज अ लेबर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट वन कौन सा? कंपनी लॉ, टॉर्ट लॉ, टॉर्ट सुना है, फ्रॉड वगैरह करने के लिए स्पेसिफिक लॉस क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी लॉ, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, समझ में आ रहा है, जिसके अंदर आपको 7% स्टैंप ड्यूटी पड़ती है अगर आप प्रॉपर्टी इधर उधर ट्रांसफर, तुम जिंदगी में एक छोटा सा बंगला लोगे ना, अरे लोगे नहीं लोगे जीवन में, तब तुमको प्रॉपर्टी लॉ के हिसाब से जाना पड़ेगा। देन देयर इज कौन सा लॉ? टैक्स लॉ। नाउ सी टैक्स लॉ में कितने आते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? देन देयर इज अ ट्रस्ट लॉ, इंडियन ट्रस्ट या हिंदू ट्रस्ट या मुस्लिम ट्रस्ट के हिसाब से। देन देयर इज अ फैमिली लॉ, फैमिली में कौन कौन से? देखो फैमिली के हिसाब से चेंज हो गया सब, क्या है? हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, फारसी लॉ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। नाउ देयर इज वन और टू ऑफ द रिलीजन्स मिसिंग, जैसे सिख, ठीक है, बट देयर इज नो लॉ क्रिएटेड ओवर इट, बट ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग जल्दी आ जाए। देन देयर इज अ नेशनैलिटी लॉ, नेशनैलिटी लॉ का कोई एग्जांपल दे सकता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल याद है, दंगे हो गए थे पिछले साल, पिछले टू पिछले साल CAA करके लगाया था, दंगे हो गए थे, और इस बार एक बीजेपी सोच रहा है लॉ लाने का, कौन सा? यूनिफॉर्म सिविल कोड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दोज आर बेसिकली सिटीजनशिप वगैरह की रिगार्डिंग लॉज। नेक्स्ट पुलिस फोर्स के लॉज, हर एक स्टेट के पुलिस फोर्स के लॉ अलग है। लॉ रिफॉर्म, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, सी ऑल्सो रेफरेंस, वो कोई काम का नहीं है। देन साइटेशंस एंड सोर्सेस, साइटेशन मतलब केस स्टडीज, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस को कहते हैं साइटेशंस। आई विल टेल यू, जब केस स्टडी हम पढ़ेंगे साइटेशन भी मैं समझाऊंगा। एंड देयर आर सोर्सेस, सोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है। सो एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया में अभी इस वक्त इतने टाइप के लॉज है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमने एक्चुअली ग्रोथ किया है, ऐसा नहीं हमने ग्रोथ नहीं किया। हम कहां थे? कॉमन लॉ के ऊपर, जो हमें ब्रिटिशर्स ने 5 लॉ दिए थे, हमने उसके अंदर इतने सारे एक्सपांशन कर लिए। अब मुझे एक बात बताओ, इन एक्सपांशन में हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? कॉर्पोरेट लॉ। जोर से बोलो, कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉर्पोरेट लॉ। और कॉर्पोरेट लॉ का मतलब सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं है, कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट, एलएलपी, सेबी, बैंकिंग रेगुलेशन, इंश्योरेंस और जितने टाइप के कंपनी बन सकते हैं, इंक्लूडिंग आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का कुछ पोर्शन, ये सभी कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आता है। पर तुम्हें सिलेबस में बहुत लिमिटेड है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ कंपनीज एक्ट है और एलएलपी है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कॉर्पोरेट लॉ नहीं है, जनरल क्लॉजेस है, कॉर्पोरेट लॉ नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वो अदर लॉज है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिकल लॉ, विच इज रिगार्डिंग रेवेन्यू। जनरल क्लॉजेस एक्ट इज ए इंटरप्रिटेशन कॉमन लॉ, क्योंकि उसके अंदर कॉमन टर्म्स है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं?
आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग क्लियरली? कंटेंट समझ में आ रहा है पक्का? ओके, तो नीचे सेंटेंस लिखिए, मैं जो बोलता हूं उस चीज को लिखिए। द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013 इज अ पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ कंपनीज एक्ट 2013 इज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ which also consists of other laws like LLP, comma SEBI। ईयर लिखने की इच्छा है क्या? LLP का ईयर क्या है? चलो गुड, 2008 लिख लो। SEBI 1992, वेरी गुड। बैंकिंग रेगुलेशन, ये ईयर अगर भूल गए ना जिंदगी में फिर खत्म हो तुम। बैंकिंग रेगुलेशन का ईयर क्या है? अरे मेरे प्यारे नालायक बच्चों, बैंकिंग रेगुलेशन का ईयर। सर क्यों रो रहे हो? हमारा बैंकिंग रेगुलेशन का क्या संबंध? तुम्हारा बैंकिंग रेगुलेशन ही तुम्हारा और 1949 ईयर का संबंध है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949 का है रे। सीए एक्ट 19, वो 1 जुलाई को सीए डे मना लिया जिंदगी में तुमने? मनाया नहीं मनाया? सच्ची बोलो, फॉर्मल वॉर्मल पहन के, हाँ आज भी सीए है, पेन वेन लगा के एकदम बोलो आया ना। वो 1 जुलाई क्यों है? क्योंकि सर डॉक्टर्स डे उस दिन है। नालायक लोगों, 1 जुलाई 1950 को हमारा सीए एक्ट अप्लीकेबल होना शुरू हुआ था, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1949 ईयर भूलने का नहीं, लिखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सीए एक्ट कैसी? सीए एक्ट कॉर्पोरेट लॉ कई, सीए एक्ट नहीं लिखना है, बैंकिंग रेगुलेशन लिखना है। अच्छा सीए एक्ट कौन सा है, कौन सा टाइप का लॉ है? टॉर्चर लॉ। टॉर्ट। बोलो सीए एक्ट कौन सा टाइप का लॉ है? प्लीज टेल मी, जोर से बोलो। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। आई विल टेल यू, इट इज अ पार्ट ऑफ, एग्जैक्ट नॉट लाइक कॉर्पोरेट लॉ, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। व्हाई? बिकॉज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज ऑल्सो क्या बोले बाजू से बॉडी कॉर्पोरेट, क्लियर है? पर वो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो एक गेस आधा सही था तुम्हारा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, अच्छा मारा, ठीक है लेट्स गो। चलो यहां रख लिख लिया सबने, फुल स्टॉप का एक्सेट्रा करके छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है? कौन सा लिखा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लिखा ना, एक्सेट्रा फुल स्टॉप, ठीक है? नेक्स्ट लिखना, दिस कॉर्पोरेट लॉ इज अ पार्ट ऑफ द बिग लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, इज अ पार्ट ऑफ द बिग लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया विच कंटेन्स following categories of the laws. Which contains following categories of law. लिख लिया सबने बच्चों? अब following category में तुमने को 1, 2, 3, 4 से लिखना है, पर 1, 2, 3, 4 में point number 2 से शुरू करना, constitutional and administrative law. Constitutional law का example बोलो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिंपल है ना? मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल्स है, कितने सेक्शंस है, कितने सेक्शन है? फाउंडेशन में हुआ था ना, फाउंडेशन के बच्चों कितने हैं? 4, 4, 4। एक बार सर उसे सब लिखना छोड़ो, तिल देने गया, इधर ध्यान दो।
अरे ध्यान है सबका मेरे तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने सेक्शंस है? 444. कितने वापस बोलो? 444. याद रखना आसान. खास बात क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को याद रखना. पॉपुलेशन के मामले में हम अभी दूसरे ग्रहों को भी पीछे छोड़ देंगे. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चलो लिख लो. सो पॉइंट नंबर टू से शुरू करना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, उसको वन डिजिट देना और फिर नीचे लिखते जाना. चलो लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया. लाइव स्ट्रीम में प्रीतम रुबनाज सही आंसर जा रहे बच्चों. इंडियन कंपनीज एक्ट फॉरेन कंपनी को लोगो था क्या? लोगो नहीं था, लगा तो था. सी एक्ट विल कम अंडर इकोनॉमिक लॉ? नहीं बेटा, सी एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड बॉडी कॉर्पोरेट. लाइव स्ट्रीम में कंसेप्ट समझ में आया प्लीज कमेंट करके बताइएगा. यस भार्गव बेटा, भार्गव ने सवाल पूछा है, न्यू सिलेबस के नए कंटेंट का कोई एडिशन होगा? यस बेटा, यूट्यूब पे आ जाएगा. जितने भी ओल्ड और न्यू सिलेबस के ट्रांजिशन के लॉज है वो यूट्यूब पे आ जाएंगे. हार्डली दो ही लॉज है वो. आशीष पूछ रहा है जीडी क्लास में वाव रिविजन बुक और चार्ट्स मिलेंगे क्या? यस, बुक एट पार मिलेगी, बुक्स का टेंशन ही मत लो. ऐसी ऐसी चीजें पे लूंगा तुम देखते रह जाओगे क्या है क्या नहीं, तो सिर्फ सरप्राइज है. SBI is a body corporate, LIC is a body corporate. SBI is a company, State Bank of India Limited, company law. ठीक है जी. इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड इज नॉट ए सिविल और क्रिमिनल लॉ, इट इज अ बेसिक कॉमन लॉ. जो सॉरी जो हमने सबसे पहला टाइटल पढ़ा था ना पांच लॉज में, I will tell you just one second. ठीक है, हमने सबसे स्टार्टिंग में टाइटल पढ़ा था कॉमन लॉस के भी पहले. एक ना कोई सॉरी सिविल लॉ, सिविल लॉ. यस राइट, सिविल लॉ. हाउ सोसाइटी शॉल बिहेव इज कॉल्ड एज सिविल लॉ. हाँ, ट्रस्ट लॉ में तिरुपति बालाजी ट्रस्ट से रिगार्डिंग लॉज, शिरडी साई बाबा ट्रस्ट से रिगार्डिंग लॉज, जो सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल एसोसिएशन है उसके रिगार्डिंग लॉज. ठीक है, ये स्टेट टू स्टेट वेराई करता है. ठीक, चलो अच्छे सवाल आ रहे हैं, गुड, मतलब समझ में आ रहा है. बुक्स पार्ट पार्ट में आएंगे एज द सिलेबस इज चेंज्ड, तो हम हर चीज अमेंड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के नोट्स के हिसाब से. सिक्सटींथ और सेवनटीन पॉइंट मत लिखना, नहीं तो जोश जोश में आके सी ऑल्सो रेफरेंसेस. कॉमन लो का मतलब क्या होता है? कॉमन लो मतलब सब लोग जब डाउन होते हैं. लॉ लो, कॉमन लॉ का मतलब होता है जैसे आपके कॉमन पर्सन को लॉज लगते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट. बिजनेस लॉज नॉर्मली कॉमन लॉज में गिने जाते हैं जो डे टू डे डीलिंग के लिए काम में आते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है बेटा अनंता? बोलो. पार्टनरशिप एक्ट कौन से लॉ में आएगा? कॉर्पोरेट में. पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी है तो कॉर्पोरेट एक्ट लॉ है, पर नॉर्मल पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड भी है. पार्टनरशिप एक्ट 1932, माय मिस्टेक, 1932 काय में आना चाहिए.
कॉमन लॉज जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप तीनों आएंगे, ठीक है। हाँ, पर ये भी याद रखना कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप में कुछ सिविल लॉ के भी प्रोविजंस होते हैं। सिविल लॉ के प्रोविजन कैसे कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो क्या पेनल्टी लगनी चाहिए या क्या क्रिमिनल पेनल्टी लगनी चाहिए, तो मिक्सचर भी हो सकता है। रजिस्टर्ड भी होगा तो भी नहीं आएगा क्योंकि पार्टनरशिप इज नॉट अ कॉर्पोरेट ना, और पार्टनरशिप कॉर्पोरेट नहीं है इसलिए तो हमने एलएलपी बनाया, ये सुनो, नहीं तो हम बनाते क्यों एलएलपी, राइट। चलो एवरीबॉडी डन, सबने लिख लिया बच्चों, लास्ट बेंचेस क्लियर एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना, हाँ या ना। अब फिर मेरा एक और सवाल है, बहुत जोर से आया है। ये तो हो गए कैटेगरीज ऑफ लॉ इन इंडिया, जाके आओ नहीं नालायक। बहुत जोर से सवाल आया, पूछो कौन सा। ये इतने कैटेगरीज ऑफ लॉ है पर ये पास होने के लिए सिर्फ तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, तीन टाइप्स में। कौन कौन सा? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। अब ये अगर आपको अच्छे से समझना है तो बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। अब मैं लिखना शुरू करूंगा और ट्राई करना आप पहले इसको समझ लो और फिर आराम से लिखना, ठीक है। या साथ साथ में लिखते हो? साथ में लिख पाओगे? पक्का? स्पीड थोड़ा सा मैच कर लोगे? बोलो हाँ या ना। चलो फिर साथ में लिखते हैं, लेट्स गो। अच्छा, इसके लिए मुझे चाहिए क्या, मैं आपको पहले समझा दूं, ठीक है। शो मी द रजिस्टर। अब यहां से कंपनीज एक्ट 2013 का हिस्ट्री हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विश इज, आपका थोड़ा सा स्पेस जाया जा सकता है बट दिस विल लुक वेरी बेटर, ठीक है। आपने करना क्या है, एक पेज के ऊपर कॉमन लॉ की प्रोसेस पास करनी है, दो पेजेस मेरे को ज्वाइंट चाहिए, ताओ ताओ, समझते हो ना, मेरे को दो पेज ज्वाइंट चाहिए। एक पेज के ऊपर पूरी कॉमन लॉ की प्रोसेस आएगी, ठीक है, मतलब आपको कॉमन लॉ की सिस्टम में पूरी समझाऊंगा और उस प्रोसेस में कंपनीज एक्ट कैसे पास हुआ ये मैं इस साइड लिखवाऊंगा, ठीक है। तो एक साइड आपकी पूरी प्रोसेस आएगी, ये पेज पे सिर्फ कॉमन लॉ की प्रोसेस आएगी। जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, लिस्ट की बात कर रहा हूं तो लेफ्ट पेज पे आएगा, और कंपनीज एक्ट की जब बात कर रहा हूं तो मैं आपको मेंशन करूंगा वो हम राइट पेज पे लिखेंगे, ठीक है, और उसके ही पैरेलल लिखेंगे। जैसे अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंने प्रोसेस दे दिया तो हम राइट पेज पे लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल कौन से इस पे, कौन से इसमें कंपनीज एक्ट पास किया गया है, क्लियर है। और ये ताव ऐसा का ऐसा आगे चलता रहे क्योंकि हमको दो ताव की जरूरत पड़ेगी। पहले ताव पे मैं आपको कैटेगरीज ऑफ लॉ बोलूंगा, दूसरे ताव के ऊपर मैं आपको प्रोसेस टू पास द लॉ बोलूंगा। और जब हम यहां पे प्रोसेस टू पास द लॉ देखेंगे तो हम साइड में ये भी लिखेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 इसी प्रोसेस में कौन कौन से दिन कौन कौन से सेक्शन के साथ कैसे पास हुआ है, ठीक है। तो एक साइड आपका पूरा कोई भी लॉ पास करने का प्रोसेस पूरा लेफ्ट साइड में रहेगा और कंपनीज एक्ट कैसे पास हुआ उसका पूरा प्रोसेस राइट साइड में रहेगा। Is it fine? Everybody understood very clearly? सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से बोलो हाँ या ना। स्पेस थोड़ा जाया जाएगा, एक आधा पेज हो सकता है वेस्ट, मैक्सिमम होगा आधा पेज वेस्ट होगा, बट इट्स ओके, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर आएगा। तो दो चीजें कर लो, ठीक है। पहले ताओ के ऊपर एक साइड आप लेफ्ट पेज पे लिख लो इंडियन लॉ सिस्टम, इस साइड आप लिख लो ऊपर टाइटल में हेडिंग में इंडियन लॉ सिस्टम, ठीक है। यहां लिख लिया इंडियन लॉ सिस्टम और इधर लिखो हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दूसरे पेज राइट साइड पे हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दोनों पैरेलली चलेंगे। समझ में आ रहा है पक्का एवरीबॉडी? लास्ट बेंचेस क्लियर है सबको? इधर कॉर्नर्स, दीवार प्रेमी, सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इस साइड खिड़की प्रेमी, दो, दो, दो। So, ये चीज को याद रखना, दोनों ड्रॉ कर लिए, नेक्स्ट पेज पे भी सेम ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगेन इंडियन लॉ सिस्टम और इस साइड पे कंपनीज एक्ट, दो ताव बना के रख दो, सिंपल। अब उसके अंदर क्या कैसे बनाना है आई विल टेल यू, ठीक है। Are you guys ready? पक्का रेडी हो? बोलो हाँ या ना। मेरे साथ साथ में लिखना है। फाउंडेशन में ये चार्ट मैंने ऑलरेडी बच्चों को बना के दिया है, ठीक है, तो उनको रिवीजन होगा अच्छे तरीके से। जो नए आए हैं डायरेक्ट एंट्री से आए, जिन्होंने मुझसे इसके पहले फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है, इट्स ओके, आपको सब समझ में आएगा। जहां पे नहीं आएगा हाथ रेस कर लो, मुझे स्टॉप करके पूछ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिंदास पूछने का। रेडी, लेट्स गो। अब मैं लिख रहा हूं सबसे पहले, मैं मेरे इसमें दो पार्ट कर दू, बोलो हाँ या ना, दो पेजेस में मेरे इसमें कर दू, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं, फोकस करना बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। रेडी, लेट्स गो।
सो यहां पे मैं एक साइड लिख रहा हूं इंडियन लॉ सिस्टम, जो आपने ऑलरेडी लिखा है सिस्टम, बोलो आया ना, एंड दूसरे साइड कंपनीज एक्ट 2013 और उसका हिस्ट्री। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, फोकस करना बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। रेडी नाउ, लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूं इंडियन लॉ सिस्टम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मुझे एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से कैटेगरी ऑफ लॉ में आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। समझ में आ रहा है? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्रैकेट में लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कैटेगरी पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ प्लीज टेल मी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने लॉज थे, कितने कितने आर्टिकल्स थे? मेरे प्यारे गजनी लोगों, उसको भी 15 मिनट याद रहता है रे, गजनी को अभी बोला था मैंने कितने रहते हैं, शानदार, लिखो 444 आर्टिकल। अच्छा, नॉर्मल एक्ट में उसको सेक्शंस कहते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए आर्टिकल वर्ड यूज किया जा रहा है। वैसे ये 444 क्लॉजेस, आर्टिकल नंबर, ये सब रिपीटेटिव वर्ड्स है, ठीक है, पर हम लिखेंगे आर्टिकल्स। अच्छा, क्या खास बात है 444 आर्टिकल्स की वजह से, क्या खास बात है? इट इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट या बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट मत लिखो गलत मतलब निकलेगा, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड। ठीक है, बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस ना। ओके, अब इसके बाद की स्टोरी आपको नहीं पता तो फोकस बहुत अच्छे से करना, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो एकदम। ठीक है, साइड वाले को बोलो, उसके कान के नीचे मारो, पहले बजाओ बजाओ जरा, तुमको तुम्हारे एक्स की कसम बजाओ, एक्स नहीं होगा तो उसके वाई की कसम बजाओ। उसको बोलना मेरे को सीए बनता देखना चाहता है, बाजू वाले को, मेरे को सीए बनता देखना चाहता है, मेरे से बात मत करना, बोलो। और उसने अगर बात की तो उसके दिल में खोट है। ठीक है, सब जन जाग रहे पक्का, बोलो हाँ या ना, मुंडी उड्डी झटक ली सबने, पक्का? शुरू कर रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 245, आर्टिकल नंबर, अरे अबे नंबर बोलो, आर्टिकल नंबर 245 बोलता है कि इंडिया का कोई भी लॉ है या इंडिया के 140 करोड़ के जनता के लॉ लगाने हैं तो तुमने उसको पार्लियामेंट में पास करना जरूरी है। पार्लियामेंट में क्या करना जरूरी है? पास। आर्टिकल नंबर कौन सा बोलता है? 245। क्लियर है कंसेप्ट? लिख लो, आर्टिकल 245 बोल रहा है पास इनटू पार्लियामेंट। लिव लगा, लिख लिया सबने? पर आपने कभी पार्लियामेंट देखा है? बोलो हाँ या ना, सब गधे घोड़े बैठे रहते हैं वहां पे, आधे तो गुंडे हैं। तुमको लगता है इनके बस की बात है लॉ पास करना? वो तो हमारा अनफॉर्चुनेशन है कि चौथी पांचवी पास लोग वहां पे बैठ के हमको गवर्न कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना, यस और नो? सो बेसिकली देखा जाए तो उनके बस की नहीं है कौन सा लॉ पास करना, उनको सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आएगा कौन से सब्जेक्ट। अच्छा, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आधे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को आपने जो अभी इसके पहले लिखा ना कितने कैटेगरीज ऑफ लॉ है वो भी नहीं पता होंगे। तो लपला होता आणि मी केलं त्याला भौ, तो लपला होता आणि मी केलं त्याला भौ, चला सगळे मिळून आता आपण पास करू लॉ। हो सकता है रामदास आठवले जी को पता भी हो सकता है इन द केस, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं, मेरा हर एक पॉलिटिशियन के प्रति काफी अच्छे से रिस्पेक्ट है क्योंकि मेरे को मेरी क्लासेस बंद नहीं करनी है। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है, ठीक है, इट्स ह्यूमन थिंग, या हो सकता है कुछ लोगों का इग्नोरेंस भी होगा, पर बहुत सारे लोगों को कैटेगरीज ऑफ लॉ नहीं पता। इनको समझाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि देर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ लॉ।
देर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ, क्या बोले एक बार उसे, लॉ. तो इनको समझाने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स, ऑन विच सब्जेक्ट लॉ कैन बी प्रिपेयर्ड. सो हियर कम्स इमीडिएटली नेक्स्ट आर्टिकल. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी थे ना, उन्होंने बहुत सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बेटा. और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने नहीं बनाया, एक और बंदा था जिसने बनाया, गोपाल स्वामी अयंगर. आपने 370 पढ़ा है, जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर इज नॉट क्रिएटेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर. उल्टा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को बोला ना कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉ बनाओ सेपरेट, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बोला कि जम्मू कश्मीर या कोई भी स्टेट, मैं किसी भी स्टेट को प्रिविलेज स्टेटस नहीं दूंगा, आगे जाके ये इंडिया में ही वॉर एक्टिविटीज क्रिएट करेगा, जो हो रहा था. फिर जब नेहरू जी गए गोपाल स्वामी अयंगर के पास, और नेहरू जी ने गोपाल स्वामी अयंगर को बोला कि भैया डॉक्टर जी नहीं बना रहे हैं, आप हमें बना के दो आर्टिकल 370. तो आर्टिकल 35 है कि जम्मू कश्मीर में आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, और आर्टिकल 370. और 370 पढ़ोगे तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा. आपको शायद नहीं पता, इंडिया में नेशनल फ्लैग जलाना ऑफेंस है. आपको 3 साल तक की सजा, 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है नेशनल फ्लैग का अनादर करना. जम्मू कश्मीर में नेशनल फ्लैग जलाना ऑफेंस नहीं था, ठीक है. और भी 2-4 चीजें मैं मेंशन करूं क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से 370 निकाला. आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे यहां सिटीजनशिप एक ही है इंडिया. जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 सिटीजनशिप मिलती थी, इंडिया एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर में इंडिया का फ्लैग लहराने के पहले जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट फ्लैग लहराना पड़ता था. मतलब जम्मू कश्मीर का स्टेट फ्लैग पहले ऊपर जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस पे, फिर इंडिया का नेशनल फ्लैग ऊपर जाएगा. उतरते वक्त इंडिया का नेशनल फ्लैग पहले नीचे उतरेगा, फिर जम्मू कश्मीर का फ्लैग नीचे उतरेगा. दिस वॉज अ सिचुएशन. जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर था ना, जो जम्मू कश्मीर का लॉ पास करता है, वो बंदे को खुद जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप नहीं थी. कैन यू जस्ट इमेजिन. इससे भी भयंकर बोलू, जम्मू कश्मीर में शरिया कानून अप्लीकेबल होता था. ब्लू टी शर्ट सो गया था, सुनेगा नहीं, मेरे सपनों की रानी कब आएगे तो आए रुत में, सुनेगा नहीं. बाजू वाले येलो टी शर्ट, वो सोया, मैं तुमको धोऊंगा, याद रखना, ठीक है. याद, कोई सोएगा नहीं, मेरे को लास्ट बेंचेस तक के सब दिखाई देता है. दिव्य दृष्टि महाभारत में संजय को थी, उसके बाद डायरेक्ट मेरे को ही मिली है, ठीक है. बहुत अच्छे सुनना. तो जम्मू कश्मीर में शरिया कानून था, वुमन हैरेसमेंट एट मैक्स. कभी बाहर नहीं आया, पर एट मैक्स लेवल पे वुमन हैरेसमेंट. आपको एक खतरनाक चीज बोलता हूं, परेशान हो जाओगे. जम्मू कश्मीर की लड़की, कश्मीर की कली, अगर इंडिया के किसी पर्सन के साथ शादी करती थी ना, तो उस लड़की की जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप चली जाती थी. वही लड़की अगर पाकिस्तान के किसी बंदे के साथ शादी करती थी ना, तो पाकिस्तान के बंदे को भी जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप मिलती थी. दिस इज अ लॉ. इंडिया में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस अप्लीकेबल होते हैं, डिसीजंस जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते. ये सब 370 के पहले था, एंड दैट्स व्हाई 370 उड़ाना जरूरी था. अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में लैंड एक्विजिशन अवेलेबल है और रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर में पनप सकती है. इंडस्ट्रीज के साथ लेबर पनपेगा, डेवलपमेंट पनपेगा, ऑटोमेटिकली हम जो पीओके और सीओके हार चुके हैं वो अपन वापस ला सकते हैं अंडर दिस डेवलपमेंट. बट ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडाज है, और इसमें धर्म वर्म की कोई बात नहीं है. इंसान सही रहा ना, कोई धर्म कुछ नहीं कर सकता, और इंसान बुरा रहा तो भी कोई धर्म कुछ नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है? सो इट्स सिंपल सी चीज है, जम्मू कश्मीर चेंज होना चाहिए था. इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया का सीधा पार्ट है ये, ठीक है. और उसके लिए अलग से लॉ नहीं बनाए जा सकते. हाँ, जब हरि सिंह राजा ने मांगा था कि नहीं भाई जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल लॉ, तब की बात अलग थी. तब जम्मू कश्मीर 6 महीने बर्फबारी में रहता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम उन तक पहुंच नहीं सकते थे, वो हमारे तक पहुंच नहीं सकते थे. हरि सिंह राजा की बात इसलिए सही थी क्योंकि हम 365 दिन 24 घंटे उस वक्त काम करते थे, और जम्मू कश्मीर 6 महीने ही शुरू रहता था, तब की बात सही है. पर आज टेक्नोलॉजी है, वी हैव मेनी थिंग्स एट अवर डिस्पोजल, कम्युनिकेशन है, रोड्स है, हम वहां पहुंच सकते हैं, रिसोर्सेज दे सकते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज होनी चाहिए. आपको पता है इंडिया का जम्मू कश्मीर के ऊपर 30% ऑफ आर्मी कंपल्सरीली तैनात रहता है. मतलब आप सोचो 36 स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज में एक स्टेट को 30% आर्मी डेडिकेटेड है. इजंट इट अ बिग थिंग, कितना बड़ा बर्डन आता है, उसकी वजह से इतने सारे वॉर्स भी होते हैं. बोलो हाँ या ना. सो दिस इज द ओनली थिंग. और ये चीज 370 जो आर्टिकल है, ये बेसिकली डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने डाला था, ये गोपाल स्वामी अयंगर नेहरू जी ने डाला था. इसी मुद्दे को जब मोहम्मद जिन्ना ने अटैक किया था ना, नेहरू जी ने इसी मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ओपन किया था कि भैया हमारे ऊपर पाकिस्तान वाले अटैक कर रहे हैं,
प्लीज हमें जरा बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे पास आर्मी नहीं थी। नेहरू जी वॉज ऑफ द ओपिनियन कि आर्मी की कोई जरूरत ही नहीं है, बट देन वी केम टू नो कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर इंडिपेंडेंट इंडिया गोइंग टू बी बिगेस्ट डेमोक्रेसी, आर्मी की जरूरत है। स्टिल जो ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाया उस वजह से हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना को ऑक्यूपाइड कश्मीर हारे हैं। अगर ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन में नहीं उठाया जाता और अगर अपनी आर्मी रहती तो पीओके सीओके आज भी इंडिया के अंदर रहता था। आपने सिर्फ इंडिया का मैप देखा है जो ऊपर दोनों साइड में एक्सपांडेड है। आप कभी वर्ल्ड मैप के ऊपर, चाइना के मैप के ऊपर या दूसरे देशों के मैप के ऊपर देखना, आप चेक करोगे ऊपर से इंडिया का वो पार्ट ऐसे बाल्ड बनाया हुआ है। पीओके सीओके इंडिया के मैप के ऊपर वो लोग नहीं मानते और एक्चुअली नहीं है। हम पीओके सीओके में एंटर नहीं करते। पीओके में एंटर करने के लिए हमको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है। कैन यू जस्ट इमेजिन। ठीक है, सो दिस इज अ सिचुएशन। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी डॉक्टर जी ने लिखा और उनको मालूम था क्या होने वाला है। वेरी फोरसाइटेड पर्सन। तो ये भी उनको पता होगा कि पार्लियामेंट के लोगों के बस की बात नहीं है ये चीज, कि उनको पता रहेगा कितने सब्जेक्ट मैटर्स है। तो अंबेडकर जी ने खुद साक्षात आर्टिकल नंबर 246 बनाया और 246 में यह लिखा कि शेड्यूल नंबर 7 में, भाई साहब शेड्यूल नंबर 7 में मैं तीन कैटेगरीज ऑफ लॉ दे रहा हूं। तीन क्या दे रहा हूं? कैटेगरीज ऑफ लॉ। वो तीन कैटेगरीज ऑफ लॉ के अंदर मैं सब्जेक्ट्स खुद लिख रहा हूं, खुद लिख रहा हूं। उन सब्जेक्ट में से आप लॉ चूज कर लो, उन सब्जेक्ट में से आप लॉ चूज कर लो। मतलब पार्लियामेंट को स्ट्रेट डायरेक्शन है कि अगर शेड्यूल 7 के कैटेगरीज में लॉ है, सब्जेक्ट है, तो ही उसके ऊपर लॉ बन सकता है, अदरवाइज आपको लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। और एक्चुअली आपको यकीन नहीं होगा, अंबेडकर जी ने बचाया है अपने को। पूछो कैसे? उस वक्त तो जम्मू कश्मीर का सेपरेट लॉ बन गया, पर अंबेडकर जी ने शेड्यूल 7 में, खास बहुत सही चीज है, बहुत हिडन बात है, किसी को नहीं मालूम रहती, अंबेडकर जी ने शेड्यूल 7 में स्टेट लॉ की जो लिस्ट है उसके अंदर कोई भी ऐसे लॉ का सब्जेक्ट ही नहीं लिखा जो किसी स्टेट को स्पेशल प्रिविलेज दे। लिखा ही नहीं सब्जेक्ट स्टेट लॉ में, नहीं यूनियन लिस्ट में, नहीं कॉन्करेंट लिस्ट में, नहीं कहीं नहीं लिखा कि किसी स्टेट को स्पेशल प्रिविलेज होना चाहिए। 370 हुआ हुआ, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्या करेंगे इतनी बड़ी पॉलिटिकल सिस्टम में। बट उन्होंने ये इंश्योर किया कि फ्यूचर में कभी भी किसी भी स्टेट को प्रिविलेज ना मिले, इसलिए उन्होंने शेड्यूल 7 के तीन कैटेगरीज में कहीं पे भी किसी भी स्टेट के प्रिविलेज की बात नहीं की है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इससे हम बहुत बड़े वॉर से बच गए और इंडिया डिवाइड होने से बच गए। अगर इस लिस्ट के अंदर स्टेट प्रिविलेज जम्मू कश्मीर जैसा सब्जेक्ट लिखा रहता था ना, तो आज के डेट में हर स्टेट खुद का प्रिविलेज लेके चलता था, इंडिया को टूटने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगता था। बट ही वॉज अ फोरसाइटेड पर्सन, ही नोज दैट व्हाट ही इज डूइंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। और ये जो सेवंथ शेड्यूल के तीन कैटेगरीज है, इस सेवंथ शेड्यूल के तीन कैटेगरीज कुछ इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, दूसरे कैटेगरी को कहा जाता है स्टेट लिस्ट, और तीसरे कैटेगरी को कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और तीसरी कैटेगरी है कॉन्करेंट लिस्ट। शेड्यूल 7 में ये तीन दिए हैं। आर्टिकल 246 ने बोला है शेड्यूल 7 देखो, और शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट दिए हैं। ठीक है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। ओके, नाउ डू यू नो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर जिसके ऊपर हम लॉ बना सकते हैं? एनीवन नो? मैंने फाउंडेशन में नंबर बोले थे, याद है किसी को? यूनियन लिस्ट में देयर आर 97 सब्जेक्ट जिसके ऊपर हम लॉ बना सकते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लोग इसको हल्के में लेते हैं, पर ये सब्जेक्ट ही ऐसे है, कभी जाके जिंदगी में तुम आगे सीए बनने के बाद लॉ ऑफ पासिंग के प्रोसेस में अगर गए और तुम ही जाओगे, तुम नहीं तो कौन जाएगा? और कोई नॉलेजेबल बंदा है इंडिया में? बोलो हाँ या ना। तुम नहीं तो कौन जाएगा? तो तुम कभी अगर गए, तुम्हें सब्जेक्ट्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, स्टेट लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स है। स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट का अलग से लॉ बनाने के लिए 66 सब्जेक्ट्स, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 47 सब्जेक्ट्स है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना। सब जन बोलो यस और नो। एवरीबडी इज क्लियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? बोलो हाँ या ना। लास्ट बेंच से सबको क्लियर है बच्चों? अच्छे से एकदम बोलो यस और नो। नाउ नाउ सी, ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इनके एग्जांपल ना दूं। नाउ प्लीज टेल मी, हम कंपनीज एक्ट की हिस्ट्री में है, बोलो हाँ या ना। कंपनीज एक्ट वेदर इट इज अ यूनियन लॉ, स्टेट लॉ और कॉन्करेंट लॉ? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। मुझे बताओ कंपनीज एक्ट, व्हाट इज यूनियन लॉ जो पूरे देश में एक जैसा लगता है? व्हाट इज स्टेट लॉ जो सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट में लगता है? व्हाट इज कॉन्करेंट लॉ? देश में लगता है पर स्टेट में थोड़ा सा अलग से भी लग सकता है। तो कंपनीज एक्ट इज यूनियन लॉ, स्टेट लॉ और कॉन्करेंट लॉ? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट? कंपनीज इज अ यूनियन लॉ, तो लिख के रखिए कंपनीज एक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, नाउ
दूसरे भी लॉज देख लेते अपने सिलेबस के, एटलीस्ट अपने सिलेबस के तो सब देख लेना, बोलो हाँ या ना। टेल मी, एलएलपी यूनियन स्टेट कॉन्करेंट, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट, यूनियन एलएलपी भी पूरे इंडिया में एक जैसा लगता है। यूनियन लॉ मतलब पूरे इंडिया, यूनाइटेड लॉ जो पूरे इंडिया में एक जैसा लगेगा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, और इधर राजस्थान से लेकर सेवन सिस्टर्स तक। समझ में आ रहा है सब? सेवन सिस्टर्स मालूम है ना, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बोलो हाँ है ना। तीसरा वाला फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऐसा है क्या कि महाराष्ट्र के लिए फॉरेन करेंसी दूसरी है और जम्मू कश्मीर के लिए दूसरी है? नहीं, जम्मू कश्मीर में फॉरेन करेंसी मतलब पाउंड, महाराष्ट्र में डॉलर, ऐसा है क्या? नहीं। सो फेमा इज थर्ड यूनियन लॉ। तो हमारे सिलेबस में आप देखोगे कौन से लॉज हमारे रेफरेंस में आ रहे हैं, सिर्फ यूनियन लॉज। सिर्फ कौन से लॉज बोले एक बार उसे, यूनियन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ओके, कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ स्टेट लॉज, एनी स्टेट लॉ यू नो? बोलो जुबा केसरी, अरे बोलो जुबा केसरी, अरे बोलो ना जुबा केसरी। महाराष्ट्र में गुटखा जाना अलाउड है क्या? मावा? हाँ, क्या शौक पाल के रखे जीवन में। महाराष्ट्र में गुटखा खाना अलाउड है क्या? तलब अलाउड है खाना? विमल अलाउड है खाना? माणिकचंद ऊंचे लोग ऊंची पसंद जिंदगी झंड अलाउड है? अरे अलाउड है क्या, बोलो ना। महाराष्ट्र में गुटखा खाना अलाउड नहीं है, लोग खाते बात अलग है, ठीक है, खाते और स्प्रे पेंटिंग करते दैट इज डिफरेंट, पर महाराष्ट्र में गुटखा खाना अलाउड नहीं है। गुजरात में दारू पीना अलाउड है क्या? तुम्हें कैसे पता? गुजरात में दारू पीना अलाउड है क्या? नहीं। बिहार में दारू पीना भी अलाउड नहीं है, यकीन नहीं होता पर नहीं है। समझ आ रहा है? तो मुझे बताओ, गुजरात में दारू पीना अलाउड नहीं है तो पूरे इंडिया में बैन है क्या? तुमने तो लगाए होंगे अभी तक जर। अच्छा, गोवा में दारू पीना अलाउड है क्या? वो तो तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ सस्ता मिलता है वहां पे सर, बोलो हाँ या ना। चलो गुड। सो स्टेट लॉज के अंदर गुटखा, तंबाकू, ठीक है, लिकर, क्योंकि गुटखा लिकर इनका रेवेन्यू गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अभी आपने सुना होगा डेढ़ दो साल पहले महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने लिकर के ऊपर के टैक्सेस कम किए, जैसे महाराष्ट्र में नियरली गोवा के रेट में दारू मिलती है। क्या बात कर रहे हो सर? ओके, और भी कोई लॉ पता है नशीड़े छोड़ के जो तुम्हें लगता है स्टेट में लगते हैं? हैव यू हर्ड हर एक स्टेट की पुलिस अलग होती है, मतलब पुलिस के लॉज अलग है, हर एक स्टेट का ट्रैफिक पुलिस अलग होता है, सुना होगा। अच्छा, क्या आपने ये सुना है हर एक स्टेट का टूरिज्म अलग होता है? बोलो यस ऑर नो। हर एक स्टेट का एजुकेशन भी अलग होता है। मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र बोर्ड से पास हुए होंगे, उनको पता होगा, ठीक है। मैं तो एकदम मराठी मीडियम से था, मुधड़कर पेट महिला मंडल प्राथमिक शाला, मुंह पे मम मम प्राशा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ यार। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टेट के अलग लॉज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द लेट्स से लिकर, टोबैको, टोबैको का स्पेलिंग क्या है, बराबर है ना? ए है क्या? डबल सी हो ना? तीसरा वाला कभी खाया नहीं है ना मैंने, इसलिए स्पेलिंग भी नहीं आता। एंड तीसरा वाला एजुकेशन, पुलिस, ठीक है, एक्सेट्रा। सो दीज आर स्टेट लॉज। दीज आर कौन से लॉज बोले एक बार उसे, स्टेट। सब जनों को समझ में आ रहा है एग्जांपल्स के साथ? बोलो हाँ या ना। ये हो रही बड़ी, यस सर बोलिए। पार्टनरशिप एक्ट, यूनियन, पूरे इंडिया में पार्टनरशिप एक जैसा चलता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन स्टेट में होता है, दैट इज डिफरेंट, पर वो तो कंपनी का भी है, कंपनी भी पूरे इंडिया में एक जैसी बनती है, आरओसी सेपरेट रहता है हर एक स्टेट का, और पार्टनरशिप का आरओसी और कंपनी का आरओसी सेम है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ू मैं पक्का? यस सर। राशन कार्ड वगैरह, राशन कार्ड स्टेट लॉ में आता है क्या? आई एम नॉट श्योर अबाउट राशन कार्ड राइट नाउ, क्योंकि राशन कार्ड वाले लॉज एबोलिश करना चल रहा है। देयर इज अ आधार कार्ड, अभी सब वो लिंक कर रहे हैं राशन कार्ड वगैरह आधार कार्ड को। आधार कार्ड इज अ सेंट्रल लॉ, ठीक है, यूडीआई, डॉक्यूमेंटेशन पता है ना? यस मैम बोलिए।
प्रॉपर्टी लॉ स्टेट में आता है या सेंटर में आता है, मैं उसी के ऊपर जा रहा था। प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द कॉन्करेंट लॉज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय सेंटर, बट उसके टैक्सेस जो है या स्टैम्प ड्यूटी जो है दैट इज गिवन बाय स्टेट, सो आई एम ऑन टू दैट ओनली। सो काइंड ऑफ प्रॉपर्टी लॉज मैक्सिमम, अच्छा ऐसा नहीं है हर एक स्टेट में कॉन्करेंट लॉ है, कुछ कुछ केसेस में कुछ स्टेट सेंटर के ही प्रोविजन मानते हैं, समझ में आ रहा है। तो टोपा द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, नॉर्मली प्रॉपर्टी सेंटर से ट्रांसफर होता है, लेट्स से क्यों सेंटर से मैं बोल रहा हूं, क्यों कॉन्करेंट, महाराष्ट्र के पर्सन को हैदराबाद में प्रॉपर्टी परचेस करना है, ये तो इंटरस्टेट वाला मैटर हो गया ना, तो ऐसे सिचुएशन में सेंटर को इंटरवीन करना ही पड़ेगा, पर उसे टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोले ऐसा नो, दैट्स व्हाई इट बिकम कॉन्करेंट लॉ। अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल, वैसे जीएसटी इज नॉट अ कॉन्करेंट लॉ, हाँ जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट आर्टिकल है, पर जीएसटी इज अ काइंड ऑफ कॉन्करेंट लॉ, काइंड ऑफ, मैं ये नहीं बोल रहा है कॉन्करेंट है, पर आपको समझने के लिए समझे इसलिए मैं बोल रहा हूं। दूसरा है, बेटर एग्जांपल अपने पास नहीं है, होटल खाना खाने गए हो, अरे बोलो ना हाँ है ना, होटल बिल देखा है, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, सीजीएसटी इज अ सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी इज अ स्टेट जीएसटी, अब दोनों 2.5% है, पर ये चेंज भी रह सकता है, समझो सेंटर ने लगाया 2.5% और स्टेट लगाना चाहता है 5%, तो स्टेट लगा सकता है, समझ में आ रहा है, पर उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट गिर जाएगी, इसलिए स्टेट कभी बढ़ाएगा नहीं, समझ में आ रहा है, और सेंटर स्टेट से नहीं बढ़ाएगा क्योंकि सेंटर वालों को भी स्टेट में चुन के आना है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो जीएसटी, मैं ये नहीं कह रहा जीएसटी इज अ कॉन्करेंट लॉ, मैं क्या कह रहा हूं, काइंड ऑफ कॉन्करेंट लॉ है जिसमें सेंटर का 2.5% फिक्स है, स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, सो यहां मैं लिख रहा हूं काइंड ऑफ जीएसटी, काइंड ऑफ लॉज लाइक जीएसटी। जी सर, एजुकेशन कॉन्करेंट में लिख सकते हैं, पर आप जिस एजुकेशन की बात कर रहे हो, ये सवाल है एजुकेशन कॉन्करेंट में आएगा क्या, ये जिस एजुकेशन की बात करें वो है सीबीएसई नहीं तो आईसीएसई, उस हिसाब से आपको ये सवाल आना चाहिए। मैं बेसिकली बोलूं तो सीबीएसई आईसीएसई के खुद के यूनियन लॉज है और वो स्टेट के हिसाब से खुद के लॉज नहीं चेंज करते, इसलिए उसको सेंट्रल बोर्ड कहा जाता है, एंड आईसीएसई वो तो दूसरे का है, इंटरनेशनल लेवल का है, और उसके भी लॉज खुद के ही है, वो स्टेट के हिसाब से खुद के लॉज नहीं चेंज करते, हाँ वर्किंग प्रोसीजर्स चेंज कर सकते हैं पर लॉ कभी चेंज नहीं करेंगे। तो सीबीएसई आईसीएसई एजुकेशन इज नॉट कॉन्करेंट, इट इज अ यूनियन लॉ, वर्किंग प्रोसीजर डिफर्ड, कंसेप्ट समझ में, हालांकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इज अ स्टेट लॉ, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोले एक बार सर, नो सबको कैटेगरीज फिक्स हो रहा है, चलो हाथ के कंकड़ को आरसीक्यू, ठीक है अपन सीधा देख ही लेते हैं ना भाई कि अपने पास एक्चुअली लिस्ट के अंदर क्या क्या है। दिस इज सेवंथ शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिस्ट नंबर 1 यूनियन, ठीक है। हर बार लॉ बनाने के वक्त सेफ्टी पहले ध्यान में रखा जाता है, क्या ध्यान में रखा जाता है, सेफ्टी, पहले सब्जेक्ट का नाम पढ़ो क्या है, डिफेंस ऑफ इंडिया, जोर से बोलो क्या पढ़ो क्या है, डिफेंस ऑफ इंडिया। दूसरा नेवर मिलिट्री एयरफोर्स, मतलब लॉ बनाते वक्त प्राइमरी मोटिव क्या है, सेफ्टी, सब जन बोलो लॉ बनाते वक्त प्राइमरी मोटिव क्या है, सेफ्टी। चलो अब सेफ्टी वाले बहुत सारे, आप सब तो नहीं पढ़ सकते 97 के 97, आई एम जस्ट रेफरिंग देम, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ो ना तो थोड़ी देर बाद बेनिफिट शुरू होगा, देखो 20 नंबर का पिलग्रिमेज टू द प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, आपको पता है हज की यात्रा के ऊपर बेनिफिट्स मिलते हैं, कंसेशन मिलते हैं, ठीक है, और यह भी चल रहा है कि भैया चारों धाम की यात्रा के ऊपर भी हमको मिलने चाहिए, ठीक है। नाउ दैट इज अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज इज अ सेफ्टी और बेनिफिट, सब जन बोलो सेफ्टी और बेनिफिट, बेनिफिट। तो पहले सेफ्टी, ऊपर के सब लॉज देखो सेफ्टी के लिए है, वॉर पीस फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन एंटरिंग इनटू ट्रीटीज एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोमैट एटॉमिक एनर्जी फायरआर्म, ये सिर्फ सेफ्टी वाले लॉ है। 20 के बाद में सब्जेक्ट चेंज हो गया भाई, 20 के बाद में सब्जेक्ट क्या आ रहा है, बेनिफिट्स, कि लोगों के बेनिफिट के लिए चलो लॉ बनाते हैं। देखो ना बेनिफिट वाले, रेलवे, रेलवे सेफ्टी है या बेनिफिट है, बेनिफिट है। हाईवे सेफ्टी है या बेनिफिट है, बेनिफिट। शिपिंग सेफ्टी है, बेनिफिट है, बेनिफिट है। सो सबसे प्राइमरी मोटिव हर लॉ बनाने का क्या रहता है, हमेशा सेफ्टी, और दूसरा मोटिव क्या रहता है, बेनिफिट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। फिर आप नीचे जाओ, अब मैंने आपको क्या बोला, कंपनीज एक्ट यूनियन लॉ है, बोलो रे, कंपनीज एक्ट यूनियन लॉ है, सब जन बोलेंगे हाँ है ना, तो ये इस लिस्ट में कहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं गलत हूं, नहीं तो मैं गलत हूं ना, ढूंढो मिलता है क्या किधर,
मिला क्या? एंट्री नंबर 43, एंट्री नंबर 44, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 43, सब्जेक्ट नंबर 44। चलो पढ़ लेते, कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हैं ना, पता तो चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन से कंपनीज एक्ट बाहर आया है। बोलो हाँ आया ना। चलो 43 पढ़ेंगे साथ साथ में। 1, 2, 3 बोलो क्या है। इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ द ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग बैंकिंग इंश्योरेंस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बट नॉट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट द बॉडी कॉर्पोरेट्स। नीचे 44, 1, 2, 3 बोलो क्या है। इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेशन वेदर ट्रेडिंग और नॉट विद ऑब्जेक्ट नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट बट नॉट इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर चैरिटेबल ट्रस्ट। और आप देखोगे नीचे एक और कॉर्पोरेट लॉ है, उसके नीचे आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सुना है। तुम बहुत लकी हो, पूछो क्यों लकी हो। पहले इंटर पे था, लास्ट ओल्ड बैच में नवंबर 23 के बैच में मैंने निगोशिएबल क्लास में पढ़ाया था और तुमको अभी अप्लीकेबल नहीं, अभी वो फाउंडेशन में चला गया। ये उसके जगह फेमा आया है। चलो लेट्स गो, कोई नहीं। ओके, उसके बाद में 47 में इंश्योरेंस, आपको सेबी सुना है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 48 पढ़ो स्टॉक एक्सचेंज, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सुना है। 49 पढ़ो, समझ में आ रहा है सबको, बोलो हाँ आया ना। उसके बाद में हमने जीएसटी के पहले एक लॉ हुआ करता था, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 50, ठीक है, जीएसटी में आपको उसका रेफरेंस आएगा, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर एक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग 53, ऐसे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आप काउंट करते जाओ। टोटल मैंने कितने बोले थे बच्चों, बोलो 97। 97 पे खत्म, स्टेट लिस्ट शुरू। मैंने बोला था स्टेट में सबसे पहले पुलिस वगैरह अलग रहेगी, पहला पढ़ो पब्लिक ऑर्डर, दूसरा पढ़ो पुलिस, समझ में आ रहा है। सेफ्टी फर्स्ट, स्टेट में भी सेफ्टी फर्स्ट। नीचे नीचे चले जाते जाओ, चाहिए इसमें आपको गुटखा वगैरह के लिए अगर चाहिए, लिकर के लिए एंट्री नंबर 8 नशीड़ा लॉ। इंटॉक्सिकेशन ऑफ लिकर्स दैट इज टू से द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पोजेशन ट्रांसपोर्टेशन परचेस सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स। ऐसी कौन सी लिकर होती है जो इंटॉक्सिकेट नहीं करती है? हर एक लिकर करती है ना, इसने नाम लिया कुछ तो भी नालायक, उसे पानी कहते हैं। आगे नेक्स्ट, इसमें मैंने टोटल एंट्रीज कितने बोले थे सब जन, बोले एक बार 66, जोर से बोलो कितने बोले थे 66। तो आज जाओ नीचे, दिस इज एंट्री नंबर 66 और फिर हमारे कॉन्करेंट लॉ पे। मैंने जीएसटी नहीं बोला क्योंकि जीएसटी इज अ काइंड ऑफ कॉन्करेंट लॉ, बट एक दो तुम पढ़ के देखो, जैसे क्रिमिनल मैटर्स क्रिमिनल प्रोसीजर्स स्टेट में अलग होती है क्योंकि स्टेट की पुलिस अलग होती है। जरूरी नहीं है तुमको उत्तर प्रदेश में जेल में किस प्रकार डाला जाएगा, सेम तरीके से महाराष्ट्र में डाला जाएगा। हो सकता है उत्तर प्रदेश में पहले धोएंगे फिर जेल में डालेंगे, महाराष्ट्र में डायरेक्ट धोके छोड़ देंगे, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सो ये चीज को आपने याद रखना। मैरिजेस वाले जो बेसिक लॉज होते हैं, मैरिज एंड डिवोर्स लॉज, दोज आर कॉन्करेंट लॉज, ठीक है। तो मैंने कितने एंट्रीज बोले थे टोटल, बोले एक बार जो से 47। सो यहाँ आपका कॉन्करेंट लिस्ट भी होता है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग क्लियरली, हम कहां बढ़ रहे हैं तुम्हें समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने पहले ही बोला था कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये जो आज मैं बता रहा हूं ना, ये अगले 90 लेक्चर्स के लिए बहुत काम की चीजें बता रहा हूं। इसके रेफरेंसेस टाइम टू टाइम हमें आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम चार लॉस पढ़ने वाले हैं। 3-4 लॉस पढ़ना मजाक की बात नहीं है, तुमको पता होना चाहिए कहां कैसे किधर बना है, ठीक है। आपका एलएलपी एक्ट भी जो है ना, वो 43-44 नंबर के एंट्री में ही बना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ दूसरे साइड, कंपनीज एक्ट 2013। अब इस इंडियन लीगल सिस्टम के सिचुएशन में कंपनीज एक्ट कैसे बना है वो देखेंगे, ठीक है। क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैक्सिमम जो होती है उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में गिना जाता है। कुछ ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी है जिनको बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दिया जाता है इफ दे कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्लियर वॉज AOPBOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड इन 1925, बट इट इज कन्वर्टेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट इन 1945 एंड 56 में कंपनीज एक्ट ने उसको कंपनी ही डिक्लेयर कर दिया। क्लियर है? हाँ हाँ, कर सकते हैं। मतलब अब जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज AOPBOI से अगर कंपनी बन सकता है तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, जोर से बोलो सर। नाउ नाउ कंपनीज एक्ट 2013, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पहले हमारे पास कोई कंपनीज एक्ट थे क्या? ना, क्या ना थे ना, पहले तो मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया? भगवान
26 जनवरी सुना है? उस दिन सिर्फ देशभक्ति पर गाने गा लिए सर, स्कूल में चॉकलेट दे दिए, वो पेल दिए, थोड़ा सा आ, 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 किया और घर चले गए। छुट्टी किस बात की थी पता ही नहीं चला जीवन में कभी। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया को अप्लीकेबल होना शुरू हुआ मेरे बच्चों, समझा? ऐवी छुट्टी ना मनाया करो। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। सब जनों को समझ में आ रहा है? लिखो पहले कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ना। लाख लोग कैसी जिंदगी है तुम्हारी? यस, डाउट मैं लाइव स्ट्रीम में एंटरटेन करूंगा, जस्ट गिव मी अ टाइम, मैं एक बार पूरा प्रोसेस बोल दूं फिर डाउट एंटरटेन करूंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़े बच्चों, बोलो हाँ या ना। अब आओ कंपनीज एक्ट में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पहले हमारे पास कोई लॉ था कंपनीज एक्ट का? कौन कौन सा था? तो सिर्फ ऐसा लिखो कंपनीज एक्ट, नीचे 1850, 1866, तीसरा कौन सा था 1882, चौथा कौन सा 1913, पांचवा कौन सा 1942, लव स्टोरी 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद है, वो मत लिखना। कंपनीज एक्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1942, लव स्टोरी ऑर्डिनेंस लिख सकते हो इसमें, ORD ऑर्डिनेंस। लिव लगा, बोलो हाँ या ना। इसके बाद में इसको करली ब्रैकेट करो, लिखो नीचे आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन कंपनीज एक्ट कौन सा 1956, कंपनीज एक्ट 1956 लिख लिया सबने? एवरी बॉडी डन, बोलो हाँ या ना। चलो उसके नीचे इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनीज एक्ट, इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनीज एक्ट। ब्रिटिश कंपनीज एक्ट का ईयर कौन सा है बच्चों? 2006, इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 2006, फर्स्ट बिल, ओ सॉरी कौन सा वाला, ये 1956 ही है ना? नहीं 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 नहीं, 1956 अलग हो गया, मैं नीचे क्या लिख रहा हूं वो ध्यान दो। इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 2006, फर्स्ट बिल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज मेड इन 2008, ठीक है? अब 56 मैंने ऊपर ही छोड़ दिया, ये नीचे मैं 2008 की 2013 कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं। सो कंपनीज एक्ट 2013 बनने के लिए पहला बिल कब रखा था सबजन? बोलो 2008। सबजन बोलेंगे कब रखा था? 2008। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? अब पता है आपको ये बिल 2008 वाला 2010 में रीड्राफ्ट हुआ, 2011 में रीड्राफ्ट हुआ, 2012 में रीड्राफ्ट हुआ और 2012 का बिल 2013 में पास हुआ। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ कौन से एंट्री नंबर के अंदर ये पास हुआ? एंट्री पढ़ी ना अभी हमने, प्लीज टेल मी एंट्री नंबर, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी एंट्री नंबर, कौन से एंट्री नंबर में पास हुआ है? सो लिखो यहां पे एंट्री नंबर, आप इसको सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, एंट्री नंबर और सब्जेक्ट नंबर, एंट्री नंबर और सब्जेक्ट नंबर 43 और 44। कौन सी लिस्ट का बच्चों? कौन सी लिस्ट का? यूनियन लिस्ट, ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कहां पे है सब्जन बोलेंगे? यूनियन लिस्ट कहां पे है? ऑफ शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 कहां पे है? आर्टिकल ऑफ आर्टिकल नंबर, सब्जन बोलेंगे आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल 246 किसका? Of Constitution of India, the Companies Act
2013 is incorporated. लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है, प्लीज बोलिए. एजुकेशन इज नॉट कॉन्करेंट. सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड आर यूनियन. स्टेट एजुकेशन इज अ स्टेट. ठीक है, आपने देखना कभी दिल्ली गवर्नमेंट में आजकल एजुकेशन के बहुत चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अरविंद केजरीवाल हैज मैनेज द सरकारी स्कूल्स. मतलब दिल्ली में, हमारे यहां सरकारी स्कूल की इज्जत नहीं है, पर दिल्ली में सरकारी स्कूल ये इंटरनेशनल स्कूल से ज्यादा बेटर लेवल पे बनाए उन्होंने, ऐसा कहा जाता है. इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सिर्फ स्टेट बोर्ड है दिल्ली का. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो वहां पे एकदम क्रीम क्राउड जो होता है वो सब सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करवाते हैं खुद के बच्चों को. क्लियर है कंसेप्ट? हमारे यहां सोचते भी नहीं है अपन. एक्चुअली इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. ठीक है, बाहर के देशों में क्या होता है, आप 40-50% टैक्सेस पे करते हो, पर आपको एजुकेशन टॉप क्वालिटी का एंड हॉस्पिटल क्लिनिकल खर्चा ये सब फ्री होता है. इंडिया में ये तो टैक्सेस तो ले लेते हैं, पर ये दोनों मिलता नहीं है. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉ एंड वेयर द कंपनीज एट फॉल्स. यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? जोर से समझ में आया? अच्छे से एक पेज आपका भर गया होगा नियरली, या आधा आधा ही भरा है? चलो फाइन, कोई दिक्कत नहीं. तो यहां तक के अपना सिचुएशन बन चुका है. अब मैं इसके आगे बढ़ने वाला हूं. ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है अपने पास, अभी 45 मिनट्स और है. ठीक है, थक गए सब लोग? हाउ इज द जोश? एक ही सेकंड, पहले हाथ रेस किया था. यस, फैन. अच्छा, फैन. मेरे बेटा अभी ना बहुत कॉम्प्लिकेशन ये है, मेरे को किसी फैन का बटन मालूम नहीं जीवन में. ठीक है, सो वेरी सॉरी फॉर दिस. ओके, सवाल है सर, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट. बहुत अच्छा क्वेरी है, बहुत अच्छा क्वेरी है सर. यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है, हो सकते हैं नहीं हो सकते है? जोर से बोलो, हो सकते हैं या नहीं हो सकते है? जोर से बोलो, हो सकते हैं या नहीं हो सकते है? व्हाट डू यू थिंक? नो सर, यस सर, हो सकते हैं नहीं हो सकते है? क्या लगता है इधर के लोगों को, बोलो? कभी हो सकते हैं नहीं हो सकते है? मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, हो सकते हैं, और बहुत ताकत लगती है, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में लॉ जैसे पास होता है वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास नहीं होते. नॉर्मली इंडिया में लॉ पास करने के लिए पार्लियामेंट का मेजॉरिटी वोटिंग लगता है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना इंक्लूडिंग शेड्यूल 7, तो तुमको 75% अप्रूवल लगता है असेंबली का. 3/4 मेजॉरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? उससे भी ज्यादा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के क्रेड का बंदा चाहिए. ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि तुम आज जो लिस्ट में लिखोगे वो अगले कितने तो भी सेंचुरी तक पूरे पब्लिक के ऊपर असर करने वाला है. तो वो विजन वाला बंदा चाहिए. ऐवे नहीं तुमने कुछ लिख दिया बात खत्म हो गई. अभी के लोगों के बस की तो बात नहीं लग रही मेरे को. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? सो इट्स ओके, जैसे भी है. ठीक है, हाँ, सुपर इंटेलिजेंट कोई आ जाए ऑब्वियसली ही कैन टेक दैट गट्स. समझ में आ रहा है सबको? हाँ. अच्छा, अब यहां तक के मैंने आपको मेंशन कर दिया कि दिस इज हाउ द लॉ इज बीइंग मेड. ठीक है, अब मैं प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं. ठीक है, तुम तुम्हारे पेजेस में चलते रहना. ठीक है, अब सिचुएशन क्या है मुझे एक बात बताओ. हमारे पास कितने कैटेगरीज के लॉ है बच्चों, बोलो रे? हमारे पास 3 कैटेगरीज के लॉ है. मैं कलर थोड़ा सा यहां से चेंज कर दूंगा. ठीक है, जस्ट फोकस. हमारे यहां 3 कैटेगरीज के लॉ है, पर हमारे पास पास करने के जो प्रोसेस है, पासिंग प्रोसेस, लिखते जाओ हमारे पास पासिंग प्रोसेस सिर्फ 2 है, ओनली 2 प्रोसेस. हमारे पास पास करने के प्रोसेस कितने हैं? सिर्फ 2. मतलब लॉज के कैटेगरी है 3 और पास करने के प्रोसेस सिर्फ कितने हैं? 2. कौन से हैं 2 प्रोसेस? एनीवन कैन टेल मी? एनीवन कैन टेल मी? 1 इज कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेस एंड 2 इज कॉल्ड अ स्टेट प्रोसेस. One is called a central process, second is called a state process. ठीक है, चलो now we'll shift to PPT. ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा मस्त तरीके से. Now we'll start with the processes. So हमारे पास है central process. Now what is a central process? पूरा ध्यान बोर्ड पे. Are you guys ready?
हाउ लॉ इज मेड. सो हियर इज इंडिया, और इंडिया को हम दो प्रोसेस में डिवाइड करते हैं. वन इज सेंट्रल प्रोसेस जो पूरे इंडिया के लिए पास होता है, एंड सेकंड इज स्टेट प्रोसेस. हम यूनियन जो लॉ है वो सीधा सेंट्रल प्रोसेस में पास करते हैं, ठीक है, और स्टेट लॉ जो है वो सीधा स्टेट प्रोसेस में पास करते हैं. समझ में आ रहा है? सो यूनियन लॉ इज फर्स्ट पास दैट यूनियन, एंड स्टेट लॉ इज पास दैट स्टेट प्रोसेस. जो कॉन्करेंट लॉ है, मुझे बताओ क्या होगा इसके साथ, पहले कहां पास होगा, स्टेट में या पहले यूनियन में? सो कॉन्करेंट लॉ फर्स्ट इज पास एट द यूनियन एंड देन सेंड टू द स्टेट. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले ऐसा ना, फिलहाल लिखो मत, मैं लिखने के लिए आपको समय दूंगा, पहले समझ लो. नाउ व्हाट इज द सेंट्रल प्रोसेस एंड व्हाट इज द स्टेट प्रोसेस, यहां से शुरू होगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. बहुत मजेदार चीज है, वापस से मुंडी मुंडी झटको स्टेट बैठो, ठीक है. कुछ लोगों की लाशी गिरना शुरू हो रही है, ठीक है, फोकस. आर यू रेडी? लास्ट बेंच है, सबका ध्यान है पक्का, कोई नहीं सोएगा, अच्छे से ध्यान दो, पूरा एकदम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में घुसा देंगे आज, ठीक है, लेट्स गो. सो सबसे पहली बात, सेंट्रल प्रोसेस स्टेट प्रोसेस. सेंट्रल प्रोसेस हो या स्टेट प्रोसेस हो, लॉ लिखना जरूरी है. लॉ क्या करना जरूरी है, बोले एक बार, लिखना. तो फर्स्ट प्रोसेस जिसको कहा जाता है वो है ड्राफ्टिंग. फर्स्ट प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग. और ड्राफ्टिंग किस चीज का होता है? ड्राफ्टिंग होता है बिल का. बिल और एक्ट में फर्क क्या है? बिल, एक्ट और लॉ, ये तीन वर्ड्स में फर्क क्या है? एनीवन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिल, एक्ट एंड लॉ? यस, गुड. लॉ, ओके, लॉ इज वाइडर टर्म. अब समझिए, ठीक है, तीन चीजें. सबसे पहले मैं तीनों इमेजिनरी समझा रहा हूं, ठीक है, मेरे तरफ फोकस, मेरे तरफ फोकस, सबका ध्यान मेरे तरफ है. एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना, यस और नो. बिल, ये पार्लियामेंट में पास करने के पहले, इट्स कॉल्ड एज बिल. एक बार सब जन बोलो, बिल पार्लियामेंट में पास करने के पहले. जोर से बोलो, बिल पार्लियामेंट में पास करने के पहले. एक्ट पार्लियामेंट में पास करने के बाद. बिल को पार्लियामेंट में पास कर लो, क्या बन जाएगा? एक्ट. बिल को पार्लियामेंट में पास कर लो, क्या बन जाएगा? एक्ट. सिर्फ एक करेक्शन है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के सिवा भी उसको एक्ट बुलाते हैं. प्रेसिडेंट अप्रूवल इज जस्ट फॉर्मेलिटी, ठीक है. इसलिए प्रेसिडेंट कंपनीज एक्ट 2013 को एक्सेप्ट किया था. प्रेसिडेंट ने कंपनीज बिल 2012 को एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 को एक्सेप्ट किया था, 29th of August 2012 में. सो बिल पार्लियामेंट में पास करने के पहले, एक्ट पार्लियामेंट में पास करने के बाद. व्हाट इज लॉ? लॉ का मतलब होता है एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशंस प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशन प्लस ऑर्डिनेंस प्लस सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के केसेस. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एक बार वापस से, बिल क्या है? पार्लियामेंट में पास करने के पहले. एक्ट पार्लियामेंट में पास करने के बाद. व्हाट इज लॉ? एक्ट ले लो, रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस एंड ऑर्डिनेंस. पक्का समझ में आ रहा है? डिफरेंस में लिखवा के दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? लास्ट बेंचेस कॉर्नर्स बोलो हाँ या ना. नाउ, नाउ बिल जो है वो बनाना जरूरी होता है. मुझे बताओ कौन बना सकता है बिल? आप बना सकते हो? नो सर. यस सर. मैं बना सकता हूं? मैं कैन आई? बना सकता हूं? आप बना सकते हो? पक्का? बिल कोई भी बना सकता है. यह बात अलग है, थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर चाहिए, नहीं तो पास नहीं होगा. आपको पता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पता है? सब जन बोलो, आप आपकी आंसर शीट आरटीआई में बुला सकते हो. बोलो हाँ या ना. यह बनाया है अरविंद केजरीवाल जी ने जब वो कुछ नहीं थे. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का आधा ड्राफ्टिंग अरविंद केजरीवाल जी ने किया है जब वो चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सिस्टम में ही नहीं थे. लोकपाल बिल जिसके लिए अन्ना हजारे ने तुम्हारे बचपन में अनशन किया था. बोलो हाँ या ना. लोकपाल बिल एंटी करप्शन बिल था, वो भी अरविंद केजरीवाल जी ने ड्राफ्ट किया था जब वो कुछ नहीं थे. तो बिल कोई भी बना सकता है. समझ में आ रहा है? तुम भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूं. सिर्फ एक तो पॉलिटिकल पावर चाहिए, नहीं तो अन्ना हजारे चाहिए. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो. सो बिल कोई भी बना सकता है, ठीक है. फिर ये बिल जो है ना, ये रखना पड़ता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट सेंट्रल लॉ के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लॉ के लिए. पार्लियामेंट पता है? पक्का पता है? पार्लियामेंट वही जहां झगड़े वगड़े होते हैं, मारा पीटा होती है. बोलो हाँ या ना. टेबल वेबल बजाते हैं जोर जोर से, मस्त है. वाह 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 वाह, मौका ही मिल गया जिंदगी में, उसके बाद की हरकतें मत करो बस, ठीक है. सो दिस इज पार्लियामेंट, जहां पे नोटों के बंडल बंडल दिखाए जाते हैं, जहां पे वीडियो देखे जाते हैं मोबाइल पे बिना इनकॉग्निटो मोड के, साउंड ऑन करके. अनफॉर्चुनेटली क्या बोलू मैं जीवन में, अच्छा ये वीडियो बनाते नहीं है वहां पे,
जहां पे घूसखोरी के नोटों के बंडल निकाल के दिखाए जाते हैं डिमोनेटाइजेशन में, जहां पे पप्पू जी सोते हैं, जहां पे और भी लोग सोते हैं, जहां और सोते ही रहते हैं। मैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, ना पार्टी को, मैं सबको वोट करता हूं। सबको आया ना, सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं, सिंपल। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज अवर पार्लियामेंट। सो सबसे पहले क्या बनता है, सब जन बोलेंगे, सबसे पहले क्या बनता है, बिल। ठीक है, दोनों साइड सेंटर में बना, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल बिल या यूनियन बिल। स्टेट में बना, इट इज कॉल्ड एज कौन सा बिल, बोले एक बार जो सर, स्टेट बिल। क्लियर, फिर यह जाता है सेंट्रल में पार्लियामेंट के पास, किसके पास, पार्लियामेंट, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस, बोलो हाँ है ना। इसके बाद में ये बिल सेंटर और स्टेट में रीड किया जाता है, जिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रीडिंग। जो भी बिल लेता है पढ़ता है। आप फेब्रुआरी में नेक्स्ट टाइम से याद रखना, व्हेन एवर द फेब्रुआरी मंथ कम, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब फाइनेंशियल एक्सपर्ट टीवी से चिपक के रह जाते हैं, क्योंकि निर्मला सीतारामन दीदी, दीदी मालूम है ना, बुलाती है। ठीक है, जीएसटी में भाई साहब हो। सो निर्मला सीतारामन जी दीदी फेब्रुआरी में पूरी स्पीच पढ़ दी कि इस बार फाइनेंस एक्ट क्यों लाया। जिनको समझता है टेबल बजाते हैं, जिनको नहीं समझता सोते हैं। बोलो यस और नो, दैट इज कॉल्ड रीडिंग। दैट इज कॉल्ड क्या, बोले एक बार, रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के बाद ये ओपन होता है पब्लिक कमेंट्स के लिए। दिस इज रीडिंग, दिस इज कॉल्ड यूनियन रीडिंग, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेट रीडिंग। ठीक है, नाम बहुत सिंपल है, प्रोसेस के हिसाब से ही दिए गए हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर पब्लिक कमेंट्स के लिए ऑन होता है। काय के लिए ऑन होता है, बोले एक बार, पब्लिक कमेंट। ठीक है, और पब्लिक तो पागल है, कुछ भी कमेंट कर सकती है। बोलो हाँ है ना, इधर पूछ रहे तुम तो। अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल, तुम्हारा सिलेबस भी चेंज हुआ, बोलो हाँ है ना। योर सिलेबस चेंज इज एक्चुअली अमेंडमेंट टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट। दिस सिलेबस चेंज इज अमेंडमेंट टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949। तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ ना, पब्लिक ने उसके ऊपर कमेंट मांग, मतलब इंस्टीट्यूट ने उसके ऊपर पब्लिक कमेंट मांगे थे, बीच में चेयरमैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लाइव आके कमेंट मांगे थे कि कमेंट करो कि भैया कितने सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। बच्चों ने इंटर में बोला आठों के आठों निकाल दो। समझ, पब्लिक कुछ भी कमेंट कर सकती है। उधर इंस्टीट्यूट का चेयरमैन पूछ रहा है कि फाइनल में छह चाहिए आठ चाहिए, सोनम गुप्ता बेवफा है। मुझे बताइए कमेंट काम के है, फिल्टर करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। सो पब्लिक के ऐसे कमेंट आने के बाद बिठाई जाती है कमिटीज। क्या बिठाई जाती है, कमेटी। धुरंधर लोग, भेड़िए, उस फील्ड के भेड़िए, और ये सीरियसली भेड़िए होते हैं। आपको पता है कंपनीज एक्ट बनाने के लिए चार कमिटीज थी, एक फॉरेन, तीन इंडियन। फॉरेन कमेटी का नाम था कोहेन कमेटी, और इंडियन कमेटी में सबसे पहली कमेटी थी कुमार मंगलम बिरला कमेटी। कुमार मंगलम बिरला पता है, द रिचेस्ट इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, उनके अंडर कमेटी। मैंने बोला था ना तुम्हीं को लॉ बनाना पड़ेगा आगे जाके, दिस इज एन एग्जांपल। ठीक है, सो कुमार मंगलम बिरला वो बिजनेसमैन है, इस वजह से उनको सिर्फ कमेटी में नहीं बिठाया, ही इज ऑल्सो नॉलेजेबल पर्सन। So, कुमार मंगलम बिरला चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके अंदर कमेटी। सेकंड पर्सन जिन्होंने बिजनेस में सॉफ्टवेयर में स्ट्रगल किया है एंड फ्यूचर इज ऑफ सॉफ्टवेयर, नारायण मूर्ति कमेटी। नारायण मूर्ति कमेटी, आपने वो रील देखी होगी 1981 में जब इंफोसिस बना था, नारायण मूर्ति की जो वाइफ है सुधा मूर्ति, अटमोस्ट फेमिनाइन कैरेक्टर, मतलब एपिटोम ऑफ फेमिनाइन। सुधा मूर्ति ने नारायण मूर्ति को 10,000 रुपए दिए थे इंफोसिस बनाने के लिए। आज के डेट में उसकी वैल्यू 1.3 ट्रिलियन रुपीज है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो यस और नो। सुधा मूर्ति, ठीक है, सो नारायण मूर्ति कमेटी। एंड तीसरी कमेटी, आपको उनका नाम नहीं पता, टाटा एंटरप्राइजेस के बहुत बड़े इन्वेस्टर है जे ईरानी, फारसी ग्रुप है उनका कमेटी। चार कमेटी, पहला कौन सा, बोलो एक बार, कोहेन। कोहेन इंडियन था या इंटरनेशनल था, इंटरनेशनल। तीन इंडियन कमेटी के नाम बोलो, कौन कौन सा, कुमार मंगलम बिरला, नारायण मूर्ति एंड जे ईरानी कमेटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। अब ये कमेटीज का काम क्या है, ऐसे फालतू कमेंट्स को फिल्टर करके निकाल दो और जो काम की चीजें उसके ऊपर वर्क करो और एक्सपेक्टेड फ्यूचर में कैसा लॉ बनना चाहिए वो बताओ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो यस सर नो। फिर ये कमेटी ने लॉ फिल्टर करने के बाद वापस जाता है पार्लियामेंट में, पर अब इस बार पार्लियामेंट में डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा। अब आएंगे पार्लियामेंट के दो हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउसेस,
विधानसभा, विधान परिषद। बचपन में हिस्ट्री की बुक आती थी याद, उसके साथ एक छोटी सी पतली सी बुक आती थी नागरिक शास्त्र सिविक्स, जिसमें तुमने बुक खोली अच्छे अच्छे फोटो देखे। ये जितना मैं बोल रहा हूं ना वो वहां लिखा है, इट इज अ नागरिक शास्त्र कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। दिस ऑल लॉ सिस्टम इज देयर। सो लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, विधानसभा विधान परिषद स्टेट लेजर्स के दो हाउसेस है। लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल इन इंग्लिश, हिंदी में तो लिख नहीं पाएंगे अपन। राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स। लोकसभा इज अ लोअर हाउस, ऊपर मैंने दिखाया पर वो लोअर हाउस माना जाता है। राज्यसभा इज अ अपर हाउस। लोकसभा में बैठते हैं एमपीज, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो चुनाव करके जिताते हैं पंत प्रधान को। मित्रों, मेरा प्यारा देशवासियों, मोदी जी ये लोकसभा में बैठते हैं, अरे समझ में आया ना? सो मोदी जी कहां बैठते हैं? लोकसभा। तो सर विधानसभा विधान परिषद में कौन बैठते हैं? चीफ मिनिस्टर, एमएलएज है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा में खासदार, इधर आमदार, विधायक। सुना है? जो चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, जैसे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, सॉरी, बहुत कंफ्यूजन है ना। तो फिलहाल कौन चीफ मिनिस्टर है बोलो एक बार, क्या चल रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, भगवान को ही मालूम। ठीक है, सो एकनाथ शिंदे जी इज राइट नाउ द चीफ मिनिस्टर। पर जब ये इंक्लूड हुए थे तो मेरे को डर लगा अभी इनको भी बना देते क्या, जो भी आ रहा सब चीफ मिनिस्टर ले जाओ। हाँ, और वो उधर गवर्नर, वो परेशान, लोग सवेरे सवेरे 5 बजे पहुंच जा रहे मेरे को शपथ लेने की है, सवेरे 5 बजे वो दिन से उठे भी नहीं ठीक से, डायरेक्ट जाके बाजू में मेरे को शपथ लेनी, उठो अभी जरा, उप मुख्यमंत्री मैं भी साथ में है। अच्छा, शपथ ले ली 5 बजे, 8 बजे वापिस आके, मेरे को नहीं बनना, मैं तो मजाक कर रहा था। सही बात बोलो आया ना। सो भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर जहां पे बैठते हैं, मोदी जी जहां पे बैठते हैं वो है लोकसभा। मोदी जी, अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन है राज? अरे पता है ना। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अच्छा लगा थोड़ा। ठीक है, सो ये सब वहां पे बैठते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स, एमएलएस, ये सब कहां पे बैठेंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 2024 में जो स्टार्टिंग के इलेक्शन आ रहे हैं ना, वो मोदी जी वाले हैं। ठीक है, और जो उसके इमीडिएटली बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन आएंगे ना, वो स्टेट वाले रहेंगे, जिसमें आप चीफ मिनिस्टर को चूज करते हो। सबको सिस्टम समझ में आ रहा है? सिस्टम समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ यार, जोर से बोलो यस नो। ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ यार ना। अब बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर की। ठीक है, अब फोकस करना बहुत अच्छे से फोकस करना। मुझे बताओ मोदी जी वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता। हैव यू एवर हर्ड एनडीए? सर नेशनल डिफेंस एकेडमी। इधर नेशनल डिफेंस एकेडमी। व्हाट इज एनडीए? एनडीए इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इट मींस भारतीय जनता पार्टी या सेंट्रल पार्टी प्लस अलाइड रीजनल पार्टी, जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस शिवसेना आधा प्लस राष्ट्रवादी आधा इज एनडीए। समझ आ रहा है? काय झाड़ी, काय डोंगर, काय हॉटेल, ओके है ना। सो दिस इज एनडीए। समझ में आ रहा है सबको? यस नो, जोर से बोलो हाँ है ना। व्हाट इज यूपीए? इसके अपोजिट वाला, इट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब इसको इन्होंने नाम दिया है इंडिया, INDIA। नया युति बना है ना, उसके अंदर छूटे जितने भी बचे हुए सब आए, ममता दीदी वगैरह सब, वेस्ट बंगाल ममता दीदी, अमी तुम्हारे को बोलू मौसे। समझ आ रहा है? दैट इज यूपीए, दैट इज कांग्रेस एज मेन पार्टी प्लस अलाइड रीजनल पार्टीज।
दैट इज मतलब महाराष्ट्र में कांग्रेस प्लस आधा शिवसेना प्लस आधा राष्ट्रवादी, कंसर्न समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। दिस इज क्या बोले एक बार और से, यूपीए इलेक्शंस की बात चल रही है तो 2024 में आने वाले हैं, तो पिछले दो इलेक्शंस, और ये क्यों बता रहा हूं आपको समझ में आएगा, बिकॉज दिस अफेक्ट्स अवर इंडियन लीगल सिस्टम 200%। आप देखना दो मिनट के लिए, सिर्फ देखना, पार्लियामेंट में लोकसभा में 545 सीट्स होती है, 545 एमपीज, उसमें से दो एंग्लो इंडियंस होते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब 1947 के इंडिपेंडेंस के पहले अलग अलग देशों से अलग अलग लोग जो इंडिया में आके स्थायी हुए थे उनके दो रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्हें एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो उनके दो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, 543 प्योर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सबको समझ में आ रहा है? नंबर याद रखो, नंबर का गेम है, पूरा नंबर का गेम है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी नंबर का गेम, बात खत्म। सो टोटल नंबर ऑफ एमपीज कितने, सब जन बोलो कितने हैं, 545। कंसेप्ट समझ में? ये 550 तक एक्सटेंड हो सकता है, बट फिलहाल 545 है, एक्सटेंड किया नहीं है। आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, नए एमपीज के सीट क्रिएट होंगे तो नंबर बढ़ेगा भी, कह रहे अभी इतने एमपीज की जरूरत नहीं है। 545 में से आपको सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर लगता है 272, एक्चुअली 273 लगना चाहिए मेजोरिटी के हिसाब से, पर दो एंग्लो इंडियंस है ना, दो एंग्लो इंडियंस है इसलिए नंबर क्या लगता है 272। दिस इज अ मैजिक नंबर, 272 आपको मिनिमम एमपीज लगते हैं सरकार बनाने के लिए। काय के लिए? सरकार बनाने के लिए, मतलब देश में तुम्हारी गवर्नमेंट स्थापित करने के लिए तुमको 272 लगेंगे। 2014 के इलेक्शन में जब फर्स्ट टाइम मोदी जी आए थे, एनडीए हैड 305 सीट्स, नियरली 305, आउट ऑफ 545 305 एनडीए के पास थे। 2019 के इलेक्शन में वापस जब मोदी जी आए थे, इनके पास 305 सीट थी सिर्फ बीजेपी की, ऊपर से 50 सीट अलाइड पार्टीज की, 355 सीट्स। असर देखना 2019 का, आप देखो 545 में से 355 वन सिंगल पार्टी चल रहे हैं, वन सिंगल पार्टी, असर देखना, असर। मैंने बोला ना यही वो नंबर है जो लॉ पास करने के लिए लगता है 272। अगर 272 नंबर सरकार बनाने के लिए लगता है और 272 लॉ पास करने, सीधी बात है ना, देश को गवर्न किस चीज से करोगे, लॉ से करोगे? तो जो पार्टी है वो बनाने के लिए सेम नंबर है और देश को गवर्न करने के लिए भी सेम ही नंबर रहेगा। तो कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट में पास करना है 272 वोट्स चाहिए, और बीजेपी एनडीए के पास कितने थे, 355। असर देखना, 70 सालों से जो 370 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटा था, एक झटके में हटा दिया, एक झटके में। अरे इन्होंने पोल पे वोट किया ही नहीं, सिर्फ टेबल बजाए और स्पीकर ने बोला निकल गया, सिर्फ टेबल बजाए भाई, सिर्फ टेबल बजाए और स्पीकर ने बोला हो गया चलो निकालो इसको, खत्म बात। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या फर्क है? अच्छा यहां रुके नहीं भाई साहब, सीए, सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट, उसके ऊपर दंगे हो गए, 35 हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगेन प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल उड़ा दिया, कंपनीज एक्ट के मेजर अमेंडमेंट्स, और कितने तो भी लॉज, जीएसटी उसके अमेंडमेंट्स, ये धनाधन लॉ पास करे। आपको पता नहीं होगा 2020 कोविड के पहले का जस्ट पार्लियामेंट्री सेशन, 2019 के इलेक्शन के बाद का फर्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन जिसमें 355 सीट्स थी, 70 इयर्स ऑफ हिस्ट्री में इट वाज द मोस्ट एफिशिएंट सेशन माना जाता है, जो 126% एफिशिएंसी के ऊपर चला था, मोस्ट एफिशिएंट सेशन। कि ये बैठ रहे थे और सिर्फ टेबल बजा रहे थे, लॉ पास पास पास, स्पीकर ने सिर पकड़ लिया, क्या चल रहा, इतना तो कभी काम नहीं किए थे किसी ने। और ये इतने जोश में आ गए कि इन्होंने 4 कृषि कानून लगा दिए, और फिर 4 कृषि कानून के बाद में हो गए पंजाब में दंगे, उसमें कुछ खेती करने वाले फार्मर्स मर गए, और फिर प्रधानमंत्री को टीवी पे आके 4 कृषि कानून वापस लेने पड़े। ये तकलीफ है जब तुम्हारी मेजॉरिटी वाली सरकार है, मेजॉरिटी के सरकार में तुम जोश में आ जाओगे, अपोजिशन में ताकत ही नहीं है ना भाई, अपोजिशन क्या बोल रहा है उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा। बोलो हाँ या ना। सो अपोजिशन में ताकत ही नहीं है, जब अपोजिशन में ताकत नहीं आई तो ये और जोश में आ गए, लो और 4 कृषि कानून। भैया प्रॉपर डेमोक्रेसी क्या होती है, जितना ताकत है आपके रूलिंग पार्टी में उससे थोड़ा सा कम अपोजिशन में, उससे देश सही चल सकता है। बट ठीक है, जो भी चल रहा है कुछ बहुत गलत भी नहीं है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, अच्छा ही है। इंडिया बिकम अ $3 trillion इकोनॉमी, और क्या चाहिए जीवन के अंदर, हाँ ना, अच्छे दिन, ठीक है, लेट्स गो। सो दिस इज अ मैजिक नंबर,
दिस इज अ क्या बोला एक बार जो से मैजिक नंबर। और ये 272 अगर की आपने सरकार बना ली, 272 अगर आपने जीत लिए सीट्स, तो सरकार भी आपकी, देश भी आपका, और उसके बनाने के लिए लगने वाला लॉ भी आपका। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ ना, जोर से बोले एक बार 109। अरे जोर से। पर ये सिर्फ एक हाउस में पास हुआ है, अभी धुरंधर लोग बाकी है। स्मार्टेस्ट पीपल मनमोहन सिंह जी, दे डोंट सिट एट द पार्लियामेंट। मनमोहन सिंह जी इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद में 1992 में स्वदेशी विदेशी के झगड़े छोड़ के लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, सर्विस टैक्स को एबोलिश करना, खतरनाक वाली चीजें मनमोहन सिंह जी ने लाई थी। एज अ प्राइम मिनिस्टर वी कैनॉट कमेंट, बट एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अ अपेक्स पर्सन। मनमोहन सिंह जी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, कुछ दिन पहले उनका एक फोटो भी रिलीज हुआ था, व्हील चेयर के ऊपर वो राज्यसभा में आए थे। बोलो हाँ है ना। राज्यसभा के होते हैं 245 मेंबर। अब इसको राज्यसभा क्यों कहा जाता है? ये 255 तक जा सकता है, हाँ ये 255 तक एक्सटेंड हो सकता है, बट फिलहाल नहीं किया गया है, जरूरत नहीं है। 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, और आपको ऊपर जो सॉरी नीचे जो लोकसभा में लॉ पास किया वो राज्यसभा में पास करना है, तो 123 प्योर वोट्स लगते हैं, 123 प्योर। अच्छा ये 245 कैसे सिलेक्ट होते हैं? 245 में से 233 सिलेक्ट किए जाते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए बैठते हैं ना, वो एमएलए 233 राज्यसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, मतलब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, इसलिए उसको राज्यसभा कहा जाता है। और 12 जो लोग होते हैं 245 में से 233 गए, बचे 12 सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन सिलेक्ट करते हैं? बोले उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गाइस? द्रौपदी मुर्मू जी। बोलो हाँ ना। ये 12 लोगों को सिलेक्ट करेगी कौन रहेगा? सचिन तेंदुलकर, अ पर्सन फ्रॉम स्पोर्ट्स, वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जावेद अख्तर, अ लिरिसिस्ट, वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। विजय माल्या, आदरणीय परम पूजनीय भगोड़ा केसरी विजय माल्या, डॉक्टर आदरणीय परम पूजनीय भगोड़ा केसरी विजय, ही वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और मेंबर ऑफ राज्यसभा की इन्फ्लुएंस ही वो बंदे ने पब्लिक सेक्टर बैंक SBI और 17 कंसोर्टियम बैंक से 7,000 करोड़ का लोन लिया था, उसी इन्फ्लुएंस से, प्राइम मिनिस्टर को इन्फ्लुएंस करके, बिकॉज ही वॉज एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वॉज मनमोहन सिंह। कुछ अच्छा है कुछ बुरा भी है, ठीक है। और 7,000 करोड़ का लोन विदाउट सिक्योरिटी, हालांकि उसी समय पे विजय माल्या को HDFC और ICICI बैंक ने विद सिक्योरिटी लोन दिया था, और HDFC ICICI ने यूनाइटेड ब्रेवरीज के शेयर्स गिरवी रखवाए थे, और वो शेयर HDFC ICICI ने बेच के खुद का लोन रिकवर कर लिया, पर ये 17 पब्लिक सेक्टर बैंक 7,000 करोड़ लूज कर चुके थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ राज्यसभा। इतना राज्यसभा का इन्फ्लुएंस था विजय माल्या का कि पीक टाइमिंग के जो फ्लाइट्स है वो विजय माल्या ने चेंज करवा दिए, जो पीक टाइमिंग में एयर इंडिया के फ्लाइट्स चलते थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, कि भैया यहां से तुमको दिल्ली जाना है मॉर्निंग में, तुम मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ोगे, काम करोगे, दिन भर शाम को वापस आओगे। विजय माल्या ने क्या किया? पीक टाइमिंग के एयर इंडिया के फ्लाइट्स हटा दिए, किंगफिशर के लगा दिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था किंगफिशर का? फेयर्स बहुत हाई थे, 7,000-8,000, जहां पे इंडिगो चार्ज कर रहा था 2,500-3,000। समझ में आ रहा है? अब उसको क्या पता एयर हॉस्टेस देखने के लोग 7,000-8,000 नहीं देते गोवा में, तो 7,000-8,000 में। एनीवेज आगे अरे ध्यान दो जिंदगी के अंदर, फोकस करो, ठीक है। सो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना चाहिए, दैट इज राज्यसभा। कितने वोट्स चाहिए बोले एक बार उसे? 123। राज्यसभा में आपको 123 वोट्स मिल गए तो आपका लॉ पास हो गया। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना। लीगल सिस्टम समझ में आया? पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आया? ये कभी जुदा हो नहीं सकते, क्लियर है? जाएंगे स्टेट की तरफ। अब हमारे पास 36 स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज है, तो मेरे को माफ करना, सबके तो नंबर नहीं बोल सकता, लॉन्ग फॉर्म लिख के छोड़ रहा हूं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेजोरिटी वोट, मेजर दोनों जगह मेजोरिटी वोट लगेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव क्या बोले एक बार उसे? असेंबली। और दूसरा क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो आई विल जस्ट राइट काउंसिल। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है गाइस? क्लियर है सबको? हाँ आना, एक बार मुझे वापस से बोलो। पार्लियामेंट के कितने हाउसेस है? सब जन बोलेंगे कितने हाउसेस है? दो। पहला कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा में कौन बैठते हैं? एमपीज या एमएलएज? एमपीज। एमपीज मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? 545। उसमें से कितने एंग्लो इंडियंस है? दो। उसमें से कितने वोट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए और लॉ बनाने के लिए? 272, क्योंकि दो एंग्लो इंडियंस है, ठीक है। फिर नीचे राज्यसभा, राज्यसभा में कितने? 245। राज्यसभा का इंग्लिश नाम क्या है? हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। लोकसभा का इंग्लिश नाम क्या है? हाउस ऑफ पीपल। कंसेप्ट समझ में? 245 में से राज्यसभा में कितने वोट्स चाहिए? 123। क्लियर है कंसेप्ट सबको? स्टेट लेजिस्लेटिव
असेंबली विधान सभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, और जो राज्यसभा के 245 उसमें से 233 कौन सिलेक्ट करते हैं? एमएलएस, ठीक है, और 12 कौन सिलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बॉलीवुड बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड के अलग अलग लोग। कंसेप्ट समझ में है? सबको आइडिया क्लियर है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ या ना। चलो अब आओ अपने डायग्राम के ऊपर वापस से, ठीक है, वहां पे मैं लिखवा रहा हूं ये सब चीजें। थक गए क्या? भूख लग गई सर। यस सर, बोलिए। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राज्यसभा में, अच्छा इसमें स्टेट लेस विधान परिषद में कॉरपोरेटर सुना है? कॉरपोरेटर, नगर सेवक, नगर सेवक सुने हो? बस समझ में आया पक्का? ओके। एमएलएस मतलब विधायक, उसके नीचे नगर सेवक। क्लियर है आंसर? नहीं, वो चूज नहीं करते, वो तो काउंसिल में बैठे रहते हैं ना डिसीजन मेकिंग के लिए। एमएलएस सिलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। अभी मैं यहां पे भी लिखूंगा, जस्ट वेट, ठीक है। सो यहां मैंने लिखा सेंट्रल, यहां पे मैंने लिखा, बोले एक बार जो से स्टेट, यहां पे, यहां से हम शुरू करेंगे, साथ साथ में लिखना, ठीक है। सॉरी, डायरेक्ट प्रेसिडेंट उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं, वो आगे आएगा ये प्रोसेस के बाद, ठीक है। एवरीबॉडी इज रेडी? बोलो आया ना। चल सो यहां सेंटर के यहां पे लिखिए यूनियन लॉ, और स्टेट के यहां पे लिखिए स्टेट लॉ। कॉन्करेंटल कहां लिखो? दोनों के सेंटर में। ठीक है, ओके। मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों? सब जन बोलेंगे सबसे पहला का स्टेप क्या था? ड्राफ्टिंग। इसके पहले हम एनी लॉ लिखेंगे, एनी लॉ, स्टेप नंबर वन ड्राफ्टिंग। ओके, जो हम सेंटर में बिल ड्राफ्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? यूनियन बिल। जो हम स्टेट में बिल ड्राफ्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टेट बिल। ठीक है, ड्राफ्टिंग के बाद में दूसरी चीज क्या आएगी बच्चों? अच्छा, कौन ड्राफ्टिंग कर सकता है? एनी पर्सन, मैं लिखूंगा नहीं पर याद रखना, ठीक है, ओके। कौन उससे ड्राफ्टिंग के बाद सेकंड चीज क्या आएगी? इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट रीडिंग। मैं एक साथ कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है, रीडिंग एट पार्लियामेंट, रीडिंग एट स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ओके। ड्राफ्टिंग और इंट्रोडक्शन और फर्स्ट रीडिंग के बाद क्या होगा? पब्लिक कमेंट्स। अच्छा, मुझे बताओ यूनियन बिल के ऊपर क्या सिर्फ राज्य की पब्लिक कमेंट करेगी या पूरे देश की? सो इंडियन पब्लिक। और स्टेट लॉ के ऊपर पूरे देश की कर सकती है सिर्फ राज्य की? राज्य की, स्टेट पब्लिक। Everybody understanding? चलो बहुत बढ़िया। पब्लिक कमेंट्स के बारे में, पब्लिक तो कुछ भी कमेंट करती है। सो किसको बिठाया हम? स्टैंडिंग कमेटीज। ओके, जो सेंट्रल लॉ के लिए बनते हैं उसे कहा जाता है सेंट्रल और यूनियन कमेटी, दो नाम है। और स्टेट के लिए स्टेट कमेटी। सब जन लिख रहे हैं अच्छे तरीके से? एवरीवन इज राइटिंग? क्लियर है सबको? चलो गुड, ओके। स्टैंडिंग कमेटी के बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? अप्रूवल एंड पासिंग।
अप्रूवल एंड पासिंग। अब यहां पे हमको थोड़ा ज्यादा स्पेस लगेगा, तो अगर आप पेज के नीचे ये लिख रहे हो इन एनी केस तो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। दूसरे पेज पे शिफ्ट हो चुके तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, स्पेस है अच्छा खासा क्योंकि हमको अच्छे से लिखना है इसको। अप्रूवल ऑफ पासिंग के अंदर हम यहां पे अप्रूवल ऑफ पासिंग में सबसे पहले इसको लिखेंगे साइड में ले जाके पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में हम ट्री डायग्राम ड्रॉ करेंगे दो पार्ट्स में। एक जगह पे मैं लिखूंगा हिंदी में लोकसभा, सो दैट यू नो दिस नेम, दैट्स व्हाई, और दूसरा मैं नाम लिख रहा हूं राज्यसभा। पर क्या हम एग्जाम में ये नाम यूज कर सकते हैं? जोर से बोले एक बार, नहीं, नहीं ना, ओके। लोकसभा का नाम इंग्लिश में है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ क्या बोले एक बार, उसे पीपल। राज्यसभा का इंग्लिश में नाम क्या है? हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स। लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, शॉर्ट फॉर्म में यू कैन कॉल इट एज हॉप एंड हॉस्क, हॉप एंड क्या एक बार जो से हॉस्क। प्लीज टेल मी हॉप में कौन बैठता है? जोर से बोलो कौन बैठता है? एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा में कौन बैठता है? मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल, मॉस्क। ओके, मुझे तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन इलेक्ट करता है? कौन इलेक्ट करता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? एमपीज। पब्लिक वोटिंग होगा ना 2024 के इलेक्शन में, तुम वोट करने वाले हो ना, सब 18 साल के ऊपर है क्या? पीपल आर गोइंग टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन इलेक्ट करता है? कौन इलेक्ट करता है? बाय एमएलएस। लिखा सबने? बोलो हाँ या ना, एवरीबडी यस ऑर नो, सबको क्लियर हो रहा है ये? बोलो यस ऑर नो। नेक्स्ट वाली चीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टोटल कितने होते हैं? जोर से बोलो 5, 4, 5। उसमें से हमको कितना चाहिए वोटिंग के लिए? मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी एमएजे लिखना, मेजॉरिटी कितना चाहिए? 272, ठीक है। और मॉस्क में कितने रहते हैं? हॉस्क में कितने रहते हैं? टोटल होते हैं कितने? 245 अभी है, लेकिन ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एंड हमें मेजॉरिटी कितना चाहिए? 123। अच्छा, ऊपर जो एमएलए लिखा है उसके साथ में छोटे हस्ताक्षरों में प्रेसिडेंट भी ऐड कर दो, क्योंकि एमएलए तो 233 इलेक्ट करते, प्रेसिडेंट 12 इलेक्ट करता है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बॉलीवुड, बिजनेस, इन चीजों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, इसलिए उनको रखा गया है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोलो, सबको आइडिया क्लियर है इधर? बोलो हाँ है ना। चलो, सो यहां पे मैंने मेजॉरिटी नंबर वगैरह लिख के रख दिया, यहां तक क्लियर है? नाउ दूसरे साइड कंपनीज एक्ट का इसके साथ साथ में हमको ध्यान देना पड़ेगा ना भाई साहब। चलो, तो कंपनीज एक्ट को लेके आते हैं साइड बाय साइड। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अच्छा दूसरा साइड रहेगा, माई मिस्टेक, वेरी सॉरी, स्टेट वाला रहेगा, स्टेट वाला खत्म कर लेते हैं, आई एम वेरी सॉरी। आ जाओ स्टेट पे, स्टेट का नाम पार्लियामेंट के जगह पे स्टेट में क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव, ना ना, पहले स्टेट लेजिस्लेचर लिखो, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के कितने पार्ट्स? दो। कौन कौन से? विधानसभा, क्योंकि आपने सुना इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं पहले, और दूसरा विधान परिषद। चाहिए, विधानसभा को हम क्या कहते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को स्टेट लेजिस्लेटिव, सब जन बोलो, काउंसिल। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना, ओके। सो इसको हम SLA कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको कहते हैं SLC, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कंसेप्ट समझ में आया? मुझे बताओ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठता है?
मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव के लिए मैं एलईजी लेग यूज कर रहा हूं, असेंबली के लिए एडब्ल्यूएसई यूज कर रहा हूं, एडब्ल्यूएस नहीं कर सकता. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, और इधर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLCs. ठीक है, इनके नंबर्स को मैं नीचे लिख दूंगा, वेरिएबल एज पर स्टेट. अच्छा, क्या ये यूनियन टेरिटोरीज में भी हो सकता है? व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटोरी? यूनियन टेरिटोरी की खुद की गवर्नमेंट होती है या सीजी रूल करता है? कुछ यूनियन टेरिटोरी में सीजी रूल करता है, खुद की गवर्नमेंट है. और ये आज का आपका होमवर्क भी है, अभी लिखना नहीं है, आपको ढूंढ के लाने वो यूनियन टेरिटोरी जिनकी खुद की गवर्नमेंट है और वो यूनियन टेरिटोरी जहां पे सीजी रूल करता है. ठीक है, ये तुमको आज ढूंढ के लाना है, मेरे को राइटिंग में चाहिए. ठीक है, ओके, तो ये मैंने वेरिएबल लिख के छोड़ दिया. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू कंपनीज एक्ट. ठीक है, कंपनीज एक्ट पे आ गए सब जन, बोलो हाँ या ना. ओके, अब कंपनीज एक्ट में हम देखेंगे. मुझे एक बात बताओ, कंपनियन ये लॉ कौन सा लॉ है, यूनियन या स्टेट लॉ? सब जन जोर से बोलेंगे कौन सा लॉ है, यूनियन. तो ऊपर से नीचे लेके आओ एरो. ठीक है, जहां यूनियन और स्टेट लिखा है उसके साइड से मैं लिख रहा हूं द कंपनीज एक्ट इज यूनियन लॉ. द कंपनीज एक्ट इज अ यूनियन लॉ पास्ड इन सेंट्रल और यूनियन प्रोसेस. पास्ड एट सेंट्रल और यूनियन प्रोसेस लिखा सबने. फिर ड्राफ्टिंग जो है, ड्राफ्टिंग को साइड में लेके आओ. पहला ड्राफ्ट कब बना था? फर्स्ट ड्राफ्ट 2008, 2010, 2011 and 2012. ठीक है, ओके. मुझे बताओ कंपनीज एक्ट किसने रीड किया था फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में? Who has read the कंपनीज एक्ट इन द पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम? कौन था उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का चेयरमैन? एनीवन नोस? सचिन पायलट. सुना है कभी नाम सचिन पायलट, कांग्रेस गवर्नमेंट के नेता? बोलो हाँ या ना. राजस्थान से है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो सचिन पायलट एक्स चेयरमैन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA रेड कंपनीज एक्ट, कंपनीज बिल. ठीक है, कौन सा? सभी उन्होंने ही रीड किए थे. ठीक है, सचिन पायलट एक्स चेयरमैन रेड कंपनीज बिल. MCA इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट, फिर उसके बाद में पब्लिक कमेंट्स लिए गए. बोलो हाँ या ना. ओके, नाउ पब्लिक कमेंट्स की खास बात, कंपनीज एक्ट में पब्लिक कमेंट्स की खास बात क्या थी? ऑल द पब्लिक कमेंट्स आर इन स्पेसिफिक रिलेशंस टू, मतलब जो काम के थे वो बोल रहा हूं, फालतू वाले नहीं. आर इन रिलेशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब बेसिक में सब्जेक्ट्स बोल रहा हूं किसके ऊपर पब्लिक ने सबसे ज्यादा कमेंट किए थे. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. दूसरा पब्लिक कमेंट था कि भैया कंपनीज में वन वुमन डायरेक्टर का भी अस्तित्व होना चाहिए, वन वुमन डायरेक्टर. तीसरा CSR, सुना है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट 2013 का नया टॉपिक है जो पहले नहीं था. सुना है सबने? बोलो हाँ या ना. उसके बाद में कमिटीज कंपनीज एक्ट 2013 का नया टॉपिक है जो पहले नहीं था. आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? लिंक हो रहा है सब? बोलो हाँ या ना. चलो गुड. अब ये पब्लिक कमेंट्स के ऊपर क्या बनाई गई, बोले एक बार उसे, कमिटीज. तो कमिटीज के साइड में कितनी कमिटी बनी थी बच्चों? चार. उसमें से एक कौन सी थी? इंटरनेशनल. इंटरनेशनल कमिटी का नाम क्या था? कोहेन कमिटी. ठीक है, और बाकी तीन इंडियन कमिटीज थी. इंडियन कमिटी में कौन कौन से नाम थे? कुमार मंगलम बिरला, सॉरी माय मिस्टेक, CA कुमार मंगलम बिरला.
ठीक है। सेकंड वन नारायण मूर्ति, थर्ड वन जे जे ईरानी। हम हमारे पूरे सब्जेक्ट में कई बार इन तीन कमिटीज के रिकमेंडेशंस को पढ़ेंगे, प्रोविजन पढ़ने के पहले बहुत सारे सीएसआर वगैरह जैसे प्रोविजन ये इन कमिटीज के रिकमेंडेशंस पे आए थे। सो जे जे ईरानी कमिटी, आपको उसके सिवा समझ में नहीं आएगा कि प्रोविजन ही क्यों आया करके। सो इनके रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके पीछे का रीजन क्या था। समझ में आया सबको? हाय ना, जोर से बोलो यस और नो। ओके, ये चीज होने के बाद में फिर आ गया अप्रूवल एट द पार्लियामेंट। तो हम यहां एक सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, द कंपनीज एक्ट पास्ड एट पार्लियामेंट इन ऑगस्ट 2013 विथ मेजॉरिटी अप्रूवल बाय यूपीए गवर्नमेंट। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी ना 2013 में। मतलब कंपनीज एक्ट की खास बात यह है, बनाया कांग्रेस ने है और इंप्लीमेंटेशन पूरा बीजेपी कर रहा। 2014 से बीजेपी आ गया, आया ना। सो गाइस, मजा आ गया, आइडिया आ गया कंटेंट क्या है करके। अब तुम्हारे पास नॉर्मल लॉ पास करने की भी प्रोसेस है और अपना कंपनी एक्ट का हिस्ट्री भी अच्छे से है, ठीक है। ये सब चीजें हमको आगे काम में आने वाली है। आज का होमवर्क लिख लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री, कल दो हुए ना, आज तुमको समझा होगा कल के क्वेश्चन में तुमने क्या आंसर लिखना चाहिए था। बोलो आया ना। सो मैं स्टार्टिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूं जो मुझे लगता है जनरली गूगल सर्च करके तुमको पता होने चाहिए। बाद में हम जब शिफ्ट होंगे क्वेश्चन आंसर पे, तब मैं जो डेली पढ़ाऊंगा वो हम क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, ये गूगल सर्च करना है अभी आज आपको। स्टेट द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज State the number of states and union territories and their governance. Number likhna hai, sabke naam mat likh ke lana, sab number and their governance. Full stop. Next point. Next question. What do you mean by law of land? Question number four. What do you mean by law of land? And what is the difference? Kaya mein difference? Bill, Act and Law. What is the difference between Bill, Act and Law? Likh liya sabne? Okay. So, aaj ka content hamara, aaj process khatam nahi hua hai. Haan? Abhi hum precedent approval, joint sessions, bahut sari cheeze baki hai. Kal ye process continue karenge, law of land continue karenge. Sabko samajh mein aaya last benches? सबको क्लियर है गाइस प्रोसेस? इधर सबको समझ में आया, कंटेंट सबको सही लगा एकदम? बोलो हाँ है ना। चलो आज के लिए काफी है, सॉल्व टुडे, हैव अ नाइस डे। कोई भी शंका, कुशंका, लघु शंका, दीर्घ शंका हो तो पूछने आ जाना। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बोलो जोर से बोलो, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस।